वैसे तुम न्यू एनसीआर ही फॉलो कर रहे हैं बट एनडीए ने बहुत क्लियरली ये चीज बता दी थी, थी कि देर आर फ्यू टॉपिक्स जो कि न्यू एनसीआर में नहीं है बट फिर भी आपको करनी है मैंने आपके सामने सारी लिस्ट शेयर की थी जिसमें हमने बात किया था कि लिविंग व्हाट इज लिविंग लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है कॉकरोच न्यू एनसीआर में नहीं है एनिमल टिश्यू मॉडिफिकेशन प्लांट फैमिलीज जो कि उन्होंने तीन बताई डेंगी चिकनगुनिया एंड ऑर्गेनिज्म एंड ये सारी चीजें ऐसी है जो कि न्यू एनसीआरटी में नहीं है लेकिन हमको करनी है कुछ कुछ चीजें बेटा हम ऑलरेडी डन करके आ चुके हैं जिस बच्चे को नहीं न्य पता है कॉकरोच हमने कल ही डिस्कस किया है देन फ्रॉग हम डिस्कस कर चुके हैं है है है। है, है। आज की क्लास में बेटा जी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज जो कि न्यू वाली बुक में नहीं है ओल्ड वाली में है, बट सिलेबस में बहुत है। अगर आप न्यू सिलेबस उठा के देखेंगे तो बहुत क्लियरली बेटा इसमें mentioned है आपका एनिमल टिश्यू ठीक है ये दिख रहा है सबको एनिमल टिश्यू तो ये आना ही आना है और बेटा एक इंसेक्ट और एक फ्रॉग आना इंसेक्ट भी कर लिया जो कि कॉकरोच था फ्रॉग भी कर लिया जो कि एक एम्फीबियन था ठीक है जी कल की क्लास आज तो बेटा हम एनिमल टिश्यू का वन शॉट करने वाले हैं टुडे इज द वन शॉट ऑफ एनिमल टिश्यू कल की क्लास में तो बेटा क्या होने वाला है दो टॉपिक्स में कराने वाली हूँ यही आउट ऑफ एनसीआरटी वाले पहला आने वाला है वॉट इज लिविंग कल डिस्कस करेंगे एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ ठीक है तो सारी चीजें बेटा इस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे परसों की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट तो इसकी बेटा मैं एक प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूं अगर आप इस चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्लियरली दिख जाएगा आउट ऑफ एनसीआर टॉपिक्स बट इन सिलेबस बाय टी देखना ये सारे टॉपिक्स जो जो कॉन्ट्रोवर्शियल थे कॉकरोच था फ्रॉग था डेंगी था, प्लांट फैमिली थी एनिमल टिश्यू है कल हम ये करने वाले हैं ये सारी चीजें मैंने बेटा आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है और हम वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं तो आज क्या सेशन एनिमल टिश्यू का है जैसा कि अब मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ओल्ड एनसीआरटी है या फिर न्यू एनसीआर है कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा ओल्ड एनसीआरटी में सातवर लेकर आई हूं ये बेटा आपकी सारी ओल्ड एंसिटी है हम इसको डेफिनेटली साथ में देखते हुए चलेंगे क्योंकि इसके विद रेफरेंस ही अगर सवाल आएगा तो आएगा तो यहीं से इससे बाहर जनरली नहीं आता थोड़ थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस हम इसके बारे में बात करेंगे अब कुछ पोर्शन एनिमल टिश्यू का हम ऑलरेडी ह्यूमन फिजियो में कर चुके हैं जैसे आप जानते हैं अबाउट मसल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है अबाउट नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस किया तो जो चीज हम वहां करते हैं ना उसको मैं यहाँ रेप्लीकेट नहीं करूंगी सवाल उसके आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मस्क्य टिश्यू में सार्कोमियर में यहां नहीं बनवाऊंगी लेकिन उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है तो इट के तो हो गया है वो मसल में ही रहने दो जो नहीं हुआ है जो यहां वाली एनसीआरटी में वो हम इसमें कवर करने वाले हैं सो आर यू रेडी बेटा यस yes, मेरे बच्चों रेडी है सब बच्चे <coughs> बताना एवरी वन इज रेडी फॉर डूइंग एनिमल टिश्यू तो फटाफट से आ, क्लास को क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खुश न्यूज खुश न्यूज खुश खबरी खुश न्यूज तो कुछ नहीं होता अरे हाँ खुश खबरी दे रही थी खुश खबरी बेटा जी ये है कि Unacademy का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है अभी फेस्टिवल क्या है बेटा नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अब आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जितने बच्चे हमारे प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के नहीं है उनके लिए नेक्स्ट सेवन डेज यस बेटा नेक्स्ट सेवन डेज फ्री ऑफ कोर्स नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है आप आइए प्लेटफार्म को एक्सपीरियंस कीजिए वहां पर टेस्ट दीजिए वहां पर देखिए किस हिसाब से क्लासेस होती हैं कैसे प्लानर बनता है कैसे बच्चे अपना शेड्यूल सेट करते हैं कैसे कम्युनिटीज को यूज करते हैं ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी 7 डेज का फ्री ट्रायल है कितने दिन का बेटा सिर्फ 7 डेज का तो डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाना एंड पहुंच जाना फ्री ऑफ कोर्स प्लस uh, क्लासेस को एक्सपीरियंस करने के लिए मेरी डेली प्लस क्लास होती है बेटा सुबह बजे uh, नहीं साढ़े दस बजे तो आप उसको अटेंड भी कर सकते हैं कल वाली क्लास में आ जाना कुछ नया होने वाला है ठीक है बाकी संडे को एक फ्री टेस्ट सीरीज जो मैं कंडक्ट करती हूँ आपको पता है एवरी फिफ्टीन डेज देर इज अ फ्री टेस्ट सीरीज विच वी डू इस बारी के सिलेबस में मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीजें डाली हैं क्या क्या डाली हैं देख लो संडे वाली टेस्ट सीरीज में संडे वाली टेस्ट सीरीज सुबह बारह बजे होती है ट्वेल्व नून पर ठीक है फोटोसिंथेसिस मैंने आपको करा दिया है प्लांट फैमिली सारी की सारी नई करा दी है एनिमल टिश्यू आज हम कर लेंगे मॉर्फोलॉजी कल हम कर लेंगे व्हाट इज लिविंग कल हम कर लेंगे ठीक है तो ये सारी चीजें मैं संडे के टेस्ट में डाल रही हूं आप सबको पता है मुझे नहीं पता आप लोग कहीं एनरोल्ड हो नहीं हो आपके पास इतने फाइनेंस है या फिर नहीं है कोई बात नहीं क्लास लगाने के लिए ये क्लास है टेस्ट देने के लिए स्पेशल क्लास है टेस्ट सीरीज का भी मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंतजाम कर लिया है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज इस बार फिर संडे को होने वाली है सिलेबस एंड लिंक सिलेबस वैसे दिखा दिया लिंक मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी तो वहां पर सब बच्चे मेरे साथ जुड़े रहना क्योंकि टेलीग्राम पर ही सारी इंफॉर्मेशन आती है इसके साथ साथ बेटा बहुत सारे क्रैश कोर्स भी जैसे अब कल आप आएंगे बहुत सारे क्रैश कोर्स भी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुके हैं तो ये सारे क्रैश कोर्स बेटा अभी तो सात दिन के लिए फ्री है लेकिन सब्सक्रिप्शन लेंगे तो रेफरल कोड लगा दीजिएगा सीप लाइव सीप मेरा नाम है लाइव आगे लगा देना ताकि आपको तो मेरे बैचेस भी दिखने लगे एंड साथ में आप लोग मेरी मेंटोरशिप में भी आ जाए और सारे बैचेस आप अवेल कर पाए ठीक है शुरू करें सेशन लाइक कर दिया ना, ना ना नहीं किया कैसे भाई कैसे भाई बच्चों कर दिया कि नहीं करा फटाफट से कर दो शुरू करने वाली हूं क्योंकि मैं एक और इंफॉर्मेशन आज दोपहर आज शाम को शाम को बेटा जी हम लोग मिलने वाले हैं कॉकरोच के माइंड मैप्स के लिए शाम को यानी कि सिक्स थर्टी ये आप, आपको इधर कुछ बच्चों को नीचे दिख रहा है कमेंट्स में मैंने पिन कराया हुआ है चैट में पिन कराया हुआ है कुछ बच्चों को यहां दिख रहा है सिक्स थर्टी पर कॉकरोच का टेस्ट है एंड माइंड मैप्स है

जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं बेटा वी वुड बी द फर्स्ट वन जिन्होंने सारा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट किया आप मेरा लिंक देखिए वन ऑफ द बेस्ट सेशन आपको एक अरेंज फॉर्म में विद विद पीडीएफ प्रैक्टिस वहां पर मिल जाएंगे सबसे पहले हम आउट ऑफ एनसीआर टॉपिक्स यहाँ पर कर रहे हैं अब आगे बहुत लोग करेंगे बट आप ऐसे बच्चे होंगे जो उनको पहले ही आता है तो वो अपना बाकी फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब रिवाइज करेंगे आपको फिर उन क्लासेस को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी ठीक है चलो करते हैं एनिमल टिश्यूज इज विद मी आवाज आ रही है जो बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं आप बेटा ये आपकी पहली क्लास आखिरी क्लास नहीं होगी आप जुड़ जाएंगे मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे साथ दिसंबर में जुड़े थे पिछले साल अब पता नहीं वो क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे वो क्रैश कोर्स में भी मेरे से पढ़े थे पिछले साल एट एक ही लाइन बेटा उन मैक्सिमम बच्चों ने बोली कि मैम हमें ना आपके बारे में पहले नहीं पता था अगर हमें पहले पता होता ना तो आज हमारी बायो की सिचुएशन बहुत आगे होती बायो के साथ साथ आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं बहुत चीजें बताती रहती हूँ तो हमारे मार्क्स ना बहुत ज्यादा होते अगर हम आपसे पहले मिले होते कोई बात नहीं आप अगर मुझे पहली बारी देख रहे हैं बस मिल चुके हैं अब छोड़ना नहीं है साथ एंड आगे बेटा इसी तरीके से बढ़ते जाना है हर एक चीज को करेंगे एक बारी नहीं सौ बारी करेंगे एनसीआरटी पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे कैसे हो सकता है क्वेश्चन बाहर से आए हो ही नहीं सकता जब आदमी इतनी तैयारी करके जाता है एक चीज को दस पढ़ के जाता है बच्चे मुझे बोलते मेरा ना कॉन्फिडेंस नहीं आता टेस्ट के वक्त मैम मुझे ना ब्लैकआउट हो जाता है टेस्ट के वक्त ये जो टेस्ट के वक्त तुम्हारी प्रॉब्लम है ना दे आर बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप एक चीज को दो से तीन बार पढ़ के गए हो, हो ही नहीं सकता लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो क्रिस्प चीजें पढ़े अब बेटा समय एक चीज को दस किताबों से पढ़ने का नहीं है अब एक ही किताब को दस बारी पढ़ने का समय आ चुका है हो गया जो किताब तुम्हें लेनी थी ले ली है बहुत सारे बच्चे नोट्स मेरे फॉलो करते हैं उन्होंने प्रैक्टिस के नाम पे बेटा मेरी ही बुक खरीदी है वन ऑफ द बेस्ट बुक इस टाइम पे चल रही है आप एमेजॉन पे डाले सी पहुजा बुक बस इतना डाल दो गूगल पे डाल दो एमेजन पे डाल दो आपको मिल जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखा है इससे ऊपर अब आप प्रैक्टिस आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पीवाई क्यू भी है एक्सम्पलर भी है एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड इवेंट बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड सब कुछ और वो भी बाइफरकेटेड विद डिटेल्ड सोल्यूशन तो आप इस प्रैक्टिस क्या करोगे इसी चीज को दोबारा दोबारा करोगे वही थ्योरी को बेटा बारी बारी पढ़ेंगे इससे ज्यादा चीज नहीं आएगी है ना तो कॉन्फिडेंस की कमी वहां होती है जहां पर हमने एक ही बारी पढ़ा हो वो भी अच्छे से ना पढ़ा हो अगर आपने एक चीज को दो तीन बारी पढ़ रखा है तो कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं आती है ओहो बारी बारी ना ऑफ हो जाता है एक मिनट रुको जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चों हाँ शुरू करते हैं बेटा आज की कक्षा स्टार्टिंग विद एनिमल टिश्यूज सब बच्चे पीपीएफ लेकर आ गए हैव यू ब्रॉट योर पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बेटा आपके बनने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बेटा जी आपके आज बनने वाले हैं और नोट्स हम बनाएंगे ही बनाएंगे थोड़ी थोड़ी चीजें लिखेंगे एंड जैसे जैसे एक टिश्यू होता जाएगा उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर दूसरा टिश्यू होगा उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी प्लस नोट्स आप यहीं पर मेरे साथ बनाकर लर्न करके जाएंगे कॉकरोच मुझे पता है सब बच्चों का लर्न हो गया और पिछले बारी मुझे बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की जैसे हमने कॉकरोच में वो किया था ना रैपिड फायर किया हर क्लास में एक छोटा सा रैपिड फायर हम जरूर करें क्या कहते हो डरते तो नहीं हो है डर तो नहीं जाओगे रैपिड फायर से क्योंकि तभी का तभी पता चल जाता है ना कितने पानी में हो कितना लर्न आया क्या रिवाइज करना और इट्स नॉट अबाउट कंपीटिंग विद अदर्स इट्स अबाउट योर ग्रास्पिंग पावर कि आपने इस एक घंटे की क्लास में कितना सीखा आपको भी पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा मुझे अब कितनी मेहनत इस टॉपिक पे घर जाके करने घर जाकर मतलब और क्लास के बात करनी समझ जाएगा भावनाओं को समझा करो ठीक है तो बात करते हैं बेटा एनिमल टिश्यूज की आज भी रैपिड फायर करेंगे घबराना नहीं है हाँ जी टिश्यू क्या होते हैं सबसे पहले मैं बात करूं टिश्यू टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल हमें पता है एक हमारी बॉडी में जायॉट था ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई ओवा और एग की दोनों से क्या बना जायॉट बना जयगॉट में फिर डिविजन हुई जिन डिविजन को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं ये होती माइटोटिक डिविजन है बट दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड लास्ट क्लीवेज हमने रिप्रोडक्शन में ये चीज पढ़ी है क्लीवेज कर करके हमने एक जत्था ऑफ सेल बना लिया था लेकिन ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास था जिसको हमने क्या बोला था मोरूला बोला था इसके बाद अगर आपको याद हो इस तरीके से ट्रोपोब्लास्ट के सेल बेटा लाइन कर लिए थे और यहाँ पर आपका इनर सेल मास आ गया था इस स्ट्रक्चर को हमने ब्लास्टुला बोला था सब कुछ याद आया ब्लास्टुला के बाद अल्टीमेटली एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन गैस्ट्रोलेशन में हमने क्या किया था तीन थी। तीन जर्म जर्म लेयर्स लेयर्स बनाई बनाई थी थी पहले का नाम है एक्टोडर्म दूसरे का नाम है मीजोडम मैं ऑर्डर में नहीं बता रही हूं एंड तीसरे का नाम है एंडोडर्म इन इन बेटा जर्म लेयर्स का काम था बॉडी में ऑर्गन organ बनाना ऑर्गेनोजिस बट ऑर्गन ऐसे ही नहीं बनते सबसे पहले आपके पास क्या होता है एक सेल होता है सबसे पहले मेरे बच्चों आपके पास एक सेल होता है सेल का जो जत्था बनता है इस जत्थे को हम लोग बोलते हैं ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू फिर ऐसे सेल ऐसे टिश्यू जो कि सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन कर रहे हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है ऑर्गन सिस्टम ये बेसिक बायो है एंड इसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाता है ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इसके एक सेक्शन की and that part is the tissue. अब होते क्या जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है is group of cell, which are similar in origin. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल हमने देखा टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक ही जगह से बने हैं सिमिलर इन ओरिजिन ठीक है मतलब इसके मम्मी सेल सेम होंगे हर सेल का कोई तो मम्मी सेल होगा क्योंकि मम्मी सेल ही डिवाइड होगा माइटोसिस से फिर नया सेल बनेगा फिर जो बने वो भी माइटोसिस करेंगे नया सेल बनेंगे तो इस ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर इन सेलरिजन है इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू साथ ही में ये जो ग्रुप ऑफ सेल है दे आर गोइंग टू बी सिमिलर इन फंक्शन ये मिलजुल ऑलमोस्ट एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और दे कुड बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर मोस्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर यहाँ मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने मोस्टली क्यों लिखा क्योंकि जरूरी नहीं है सबकी शकल एक जैसी मिले अब आप पढ़ के आ रहे हैं आपको पता है जाइलम फ्लोएम जाइलम में चार तरीके के सेल फ्लोएम में चार तरीके के सेल क्या सबकी शक्ल एक जैसी है कोई लंबा है

वैसे ही टिश्यू के विज्ञान को क्या बोलोगे टिश्यू का विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी ठीक है तो ओजी मतलब स्टडी ओजी से और मत कह देना आई लिव आई एम अ लिवर यू गिव यू आर अ गिवर आई टीच आई एम अ टीचर आई स्टडी आई एम ए स्टडर

वो बच्चे का ध्यान पढ़ाई में इतना नहीं है इधर उधर ज्यादा है है ना यस yes. हिस्टोलॉजी क्या होती है स्टडी ऑफ टिश्यूज स्टडी ऑफ टिश्यूज इसको इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी आपने सुना होगा कई बार ऐसा बोलते हैं तुम्हारे ना लिवर का सैंपल लेके जाके हम लोग हिस्ट्रोपेथोलॉजिकल स्टडी कराएंगे है ना फिर हिस्ट्रोपेथोलॉजिकल स्टडी व्हाट इज दिस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपके टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि टिश्यू का फॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ सेल्स आर दे ओके और नॉट ओके तो वेन एवर विल कम हिस्ट्रोपेथोलॉजिकल स्टडी मतलब वो टिश्यू का सैंपल लेके आपका माइक्रोस्कोप में उसको चेक कर रहे हैं वो होती है हिस्टोलॉजी अब बेटा चार तरीके के टिश्यूज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टोटल फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स ये एनिमल टिश्यू है बेटा एनिमल हम भी हैं सब एनिमल है, किंगडम पूरा है ठीक है चार तरीके के एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एपीथिलियल टिश्यू एपीथिलियल टिश्यू वन इज कॉल्ड एज कनेक्टिव 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 टिश्यू 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 को मैं पूरे चैप्टर में सी टी बोलूंगी क्या बोलूंगी सी टी ठीक है थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू ये चार ही तरीके के टिश्यू हैं बेटा जी

फिर हम बात करेंगे वो टिश्यू कैसा दिखता है और उसका फंक्शन क्या है और टाइप क्या है ठीक है वन बाय वन वी विल स्टडी एवरीथिंग ठीक है जी यस सो हु इज फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाइकैट इट हीज फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एन ग्रू ने भी इस पे द टर्म वॉज गिवन बाई ग्रू है ना बाइकैट uh, ने भी दिया इन टर्म्स ऑफ एनिमल ग्रू ने दिया इन टर्म्स ऑफ प्लांट पहले हम इस साइंटिस्ट वगैरह लिखते होते थे बट यू कैन अवॉइड एज ऑफ नाउ बिकॉज एनसीआरटी में इनका कोई जिक्र नहीं है

हाँ जी और और किसके ऊपर बैठा हुआ है मेरी बॉडी में ये ऑर्गन है जिसका नाम है लिवर ये मैंने बना दिया इसके ऊपर भी जो टिश्यू बैठा है वो एपिथेलियल टिश्यू है ये देखो इसके ऊपर बैठा है हाँ ऊपर बैठा हुआ टिश्यू भी क्या है एपिथेलियल टिश्यू ठीक है जी पहली लाइन में यहां लिख रही हूं ये वो टिश्यू है विच लाइन्स द बॉडी विच लाइन्स द बॉडी दिस इज अ टिश्यू विच लाइन्स द ऑर्गन इन दो अक्षरों का मतलब पता चला एक तो बॉडी की लाइनिंग बनाता है और ये मेरे ऑर्गन की लाइन बनाता है अगली लाइन समझना इट दी बॉडी कैविटी बढ़िया एक नंबर लाइन क्या मतलब है lines the body cavity. ये body cavity है दी बॉडी बॉडी कैविटी 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 ये मतलब खाली जगह बॉडी में खाली जगह भी तो बहुत है ये खाली जगह है तो ये मेरी बॉडी कैविटी है मेरी बॉडी की कैविटी को भी लाइन करने वाला यही टिश्यू है मतलब ये टिश्यू मुझे यहां भी मिलेगा ग्रीन से ही कर लेते हैं ये टिश्यू मुझे यहां भी मिलेगा हो गई लाइनिंग बॉडी कैविटी के यस yes. ऑल्सो इट लाइन्स ऑल्सो इट लाइन दिखाई दे रहा तो है अंदर वाली साइड भी है यानी कि यहां पर भी मेरा एपिथिलिश्यू प्रेजेंट है समझ गए बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर ऑर्गन के बाहर ऑर्गन के अंदर yes. है समझ आ गया बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर ऑर्गन के बाहर ऑर्गन के अंदर ठीक है तीन जगह हो गई एक ये बाहर वाली फिर ये बॉडी कैविटी के अराउंड वाली फिर ऑर्गन के अंदर वाली लाइनिंग भी किसने बनाई एपिथेलियल टिश्यू ने बनाई अब इसका जो ओरिजिन है बेटा द ओरिजिन इज फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर्स ये एक अकेला टिश्यू है बेटा जिसको बनाने के लिए एक्टोडर्म भी कंट्रीब्यूट कर रही है एंडोडर्म भी कर रही है एंड निजोडम भी कर रही है सो हियर वी हैव रोल ऑफ एक्टोडर्म क्या इस टिश्यू में इस सेल के बीच में थोड़ थोड़ा थोड़ा गैप रख सकते हैं तुम कहो तो रख देते हैं है? रख सकते हैं थोड़ा सा गैप रख दे क्या कहते हो थोड़ा खुले खुले रख देते हैं सेल्स वोट यू से खुले खुले रख दू वॉट अबाउट द स्पेस इन बिटवीन दिस टिश्यू जी सेल्स के बीच का स्पेस नहीं रख सकते रखेंगे तो बाहर का बैक्टीरिया वायरस पोल्यूशन ये पार्टिकल वो पार्टिकल सब अंदर घुस के आ जाएगा ना यानी कि देयर इज नो सच स्पेस बिटवीन द सेल्स सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेज इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट और सेल के बीच का जो स्पेस होता है उनको बोला जाता है आई सी इंटरसेलर स्पेसेस दे आर एक्चुअली एबसेंट नहीं होते हैं कोई आईसीएस ओके okay? होंगे तो बाहर का मटेरियल अंदर इजीली उनको वे आउट मिल जाएगा दरवाजे खुल गए ना दरवाजे खुल गए तो सब चीज अंदर आ जाएंगी अब जनरली ये ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये है ऊपर प्रेजेंट तो इसके नीचे कौन सा टिश्यू है मान लो आपकी बॉडी ये है ये बाहर अगर एपिथेलियल टिश्यू है व्हाट अबाउट अंदर वाली साइड इसके अंदर अगर झांक के देखोगे तो मुझे कौन सा टिश्यू मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू हमें मिलता है यस एपिथेलियल टिश्यू टिश्यू बेटा जी एक ऐसा है जिसमें ब्लड सप्लाई डायरेक्टली नहीं जाता है इट इज ए वैस्कुलर टाइप ऑफ टिश्यू ए वैस्कुलर मतलब ब्लड ब्लड सप्लाई सप्लाई नहीं नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो बेचारा खाना कैसे खाएगा अपने पड़ोसी से पड़ोसी को बोलेगा भाई तू खाना ले क्या ब्लड सप्लाई बेटा कनेक्टिव टिश्यू तक जाता है तो कनेक्टिव टिश्यू अब खाना रिसीव करके एपिथेलियल टिश्यू को भी प्रोवाइड कर देता है तो दैट इज हाउ इट रिमेंस क्वाइट हेल्दी नहीं तो बेटा हेल्दी नहीं रहेगा तो मेरी स्किन तक डायरेक्टली कोई ब्लड वेसल आ नहीं रही है अगर मान लो मैं स्किन में सुई मारती हूँ सुई मारने से खून निकलता है निकलता है तो वो मेरी स्किन में की ब्लड वेसल से नहीं है इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसमें ब्लड वेसल्स है वहां से निकला है ठीक है चलो ये बात होगी हमारे कनेक्ट एपिथिलियन टिश्यू की और बात आती है बेटा दिस टिश्यू इज प्रोन टू अ अड एंड लॉर्ड ऑफ एंड वियरेंटियर इसमें ना सेल बारी बारी मरते बहुत है क्यों मरेंगे क्योंकि देखो ये मेरी स्किन के सेल है मरेंगे क्योंकि दे आर टू द बिल्कुल मर सकते हैं ध्यान से देखना ये बाहर वाले सेल देखो इनको बड़ा खतरा रहता है बेचारे बड़े एक्सट्रीम टेम्परेचर एनवायरमेंट पोल्यूशन इन सब में रहते हैं तो इनका एंड वेरेंटियर बहुत ज्यादा है होगा अभी अंदर वाले सेल देख लो जो लिवर के अंदर है लिवर के अंदर बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट ये सब इन सेल को खराब कर रहे हैं है ना यस yes? और बेटा इस वाले सेल को देखो कभी ऑर्गन बड़ा होता है कभी ऑर्गन छोटा होता है तो बेचारे सेल टूटते मरते रहते हैं यानी कि वियर टियर इस वाले टिश्यू का बहुत ज्यादा है है ना मोर वियर एंडियर वियर टियर समझ गए ना टिश्यू बहुत जल्दी टूटता मरता रहता है सेल टूटते हैं फिर नए आते हैं फिर टूटते खराब होते हैं फिर नए आते हैं अब अगर वियर ज्यादा है तो रीजनरेशन की पावर भी तो ज्यादा होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है ऐसा तो है नहीं स्किन के सेल खराब हुए तो और नहीं आ रहे आ जाते हैं उसी समय आ जाते हैं यानी कि दिस टिश्यू हैज गॉट हाई पावर ऑफ रीजनरेशन ठीक है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इतना लिख लिया सबने इतना मेरे बच्चों लिख लिया सबने यस इस टिश्यू के पास बहुत ज्यादा पावर है रीजनरेशन की वाई बिकॉज वियर एंटीअर इज क्वाइट हाई दूसरी चीज आती है ये टिश्यू ऐसे ही नहीं बैठा इट इज एक्चुअली प्रेजेंट अब समथिंग किसी ना किसी चीज के ऊपर बैठे और उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन सो ऑल सेल्स ऑफ टिश्यू दे आर प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन नॉन मेंल्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रही हूं नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक चीज है एक एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर

सेकेंड लेयर बेटा जी इसमें आती है जिसका नाम है रेटिकुलर लैमिना इन दोनों को मिलकर हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं तो पहली लेयर दिस इज बेसल लैमिना ग्लाइकोप्रोटीन और ब्यूकोपोलीसेड की बनी हुई है नीचे वाली लेयर दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क रेटिकुलर लैमिना ठीक है जी यस रेटिकुलर लैमिना रेटिकुलर फाइबर से बनी हुई है

अब मैं चलने वाली हूं टाइप्स ऑफ एपिथिलियल टिश्यू यस टाइप्स ऑफ एपिथिलियल टिश्यू हां जी ये कौन पूछ रहा है एनी एट टेलीग्राम बन्नी जी नाम तो आपने रख लिया रणबीर कपूर का है ना रणबीर कपूर का ही नाम है मुझे पता है कॉपी करके रखा है हाँ अब नाम रख लिया रणबीर कपूर का लेकिन उसके जैसा एफर्ट भी तो डालिए आपको पता है वो एक मूवी के लिए कितनी कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बॉडी के साथ एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते हैं स्पेसिफिक जिम में आ, उनकी एक्सरसाइजेज भी उसी टाइप की होती है जिस टाइप की उनको बॉडी बनानी होती है हमें हाँ सबको देख कर लगता है कि बहुत आसान है अरे वो लाइफ तो बहुत अच्छी है क्या करना है बस जिम ही तो करना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने नो इट इज वेरी 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 टफ टू बी इन पब्लिक फिगर एट ऑल द टाइम पब्लिक आई एट ऑल द टाइम ठीक है तो नाम तो हमने उसके जैसा रख लिया है लेकिन हमारे काम भी तो वैसे होने चाहिए आगे पूछ रहे रहेग्राम वाई वुन टेल नॉट हैं वो क्यों बताए तुमको okay. तो दो तरीके का बेटा हमारे पास आ, epithelial tissue है अगर तो एपिथेलियल टिश्यू में बस एक ही लेयर के हैं मान लो ये मैं मैं अब बेसमेंट मेम्ब्रेन ना एक ही लेयर की बनाऊंगी एक ही कलर से बनाऊंगी मतलब आई विल नॉट ड्रॉ मल्टीपल कलर्स ये देखो ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये मेरे सेल्स प्रेजेंट है ठीक है तो अगर तो बेटा सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट है ऐसे इस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम सिंगल आसान अगर इस तरीके से एपिथेलियम में एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर मल्टीपल लेयर दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम सिंपल माने सिंगल लेयर एंड कंपाउंड माने मल्टीलेयर्ड अब यही से एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे इन दोनों में से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा वाला लगाएंगे यहां कौन सा लगाऊं स्किन पे स्किन ने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है स्किन इज अ फर्स्ट बैरियर हमने पढ़ा था इम्यूनिटी वाले में है ना इन्नीट इम्यूनिटी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बैरियर्स पड़े थे सबसे पहला बैरियर ही स्किन था यस yes. किसको लगाऊं प्रोटेक्ट करना है बॉडी को क्या सिंपल लेयर इट्स लाइक कि मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी के आगे सिर्फ एक ही बस एक ही बॉडी है एक बॉडी से बात बन जाएगी अरे भाई इन्फ्लुन्शियल आदमी है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उनको चाहिए होती है मल्टी लेयर ऑफ बॉडी गार्ड एक बॉडी गार्ड बिल्कुल साथ होगा एक इतने मीटर दूर होगा एक ऊपर से देख रहा होगा एक बिल्कुल हॉल के बाहर खड़ा होगा सो वी नीड मल्टी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि इस वाले कंपाउंड एपिथिलियम का तो एक ही काम फिक्स है पूरे चैप्टर में बारी बारी बताऊंगी नहीं मैं हेयर द फंक्शन इज ओनली एंड ओनली प्रोटेक्शन

नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं, और आप मुझे एक, एक करके आज मुझे खुशी एप, एनिमल पढ़ाते हो रही है क्योंकि आप ह्यूमन फिजियो मोस्ट ऑफ यू डन इट करके आया सब बच्चे ह्यूमन हाँ फिजियो जी मोस्टली बच्चे ह्यूमन फिजियो जो है ना वो मेरे से ही पढ़ के अभी मैंने पूरी ह्यूमन फिजियो थ्री में पढ़ाई थी अब पता नहीं तुमने सुनी है या नहीं सुनी है हाँ जी ओके सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप शेप के हिसाब से बेटा मैंने मल्टीपल टाइप्स डिवाइड कर दिए पहला सेल सेल ये ये देखो शेप देखना यहां पर चपटा हुआ हुआ बिल्कुल फिसा देख रहे हो ऐसे बिल्कुल फिसा हुआ जैसे टाइलें फिसके नहीं हो जाती चिपक जाती है ग्राउंड से वैसा ही चपट्टे चपटे सेल्स है ये भी एक सिंपल एपिथिलियम का टाइप है जिसको पता है कॉमेंट में बता दो सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथिलियम ये

ये है मेरे पहले टाइप के सेल इनको मैंने नाम दिया है स्क्वामस एपिथेलियम स्क्वामस एपिथेलियम ठीक है ये सेकंड वाले देखो क्यूब लाइक सेल जो स्क्वायर से दिखाई दे रहे हैं दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम थर्ड टाइप ऑफ सेल लंबे लंबे सेल इनको हम लोग बोल रहे हैं कॉलम एपिथेलियम क्या बोलेंगे बेटा जी कोलमनार एपिथेलियम लंबे लंबे सेल्स तो कर लें

तो थोड़ा सा ऐसा दिखता है जैसे जमीन पर टाइल्स होती है ना बेटा वैसा तो इसीलिए इसको बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम इसका दूसरा नाम है पेवमेंट एपिथेलियम सेल्स और इनके पास क्या प्रेजेंट है इनको सेकेंड नेम आता है पेवमेंट एपिथेलियम दूसरी चीज बेटा इनकी आती है कि जो सेल्स है ना देर बॉर्डर ऐसे 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 बॉर्डर है दिख रहे हैं

लिख तो रहनी हूँ मैं ही लिख रही हूँ मैं एक को तो आता है बेटा मैं अपने लिए थोड़ा लिखूंगी ना मैंने पेपर देना पेपर भी तुमने देना है आना भी तुमको चाहिए तुम्हें लगता है यार ये टॉपिक ऊपर ऊपर से टपा दो चल जाएगा टपाने से नहीं टपेगा करने से होगा बेटा अगर आप लिख के करते हैं ना तो आपको वही वो चीज वही याद हो जाती है अगर मैं अभी आ जाऊंगी और यहाँ से रीड करके यहाँ पे निकल जाऊंगी हाईलाइट किया अंडरलाइन किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया रीड करके निकल गए मेरा काम तो बेटा हो जाएगा एक घंटे में ही लेकिन तुम्हारा काम होने में लगेंगे अराउंड तुम्हें मतलब घर जाके भी इसके लिए दो घंटे देने पड़ेंगे प्रॉब्लम ये आ जाती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको दोबारा टाइम ना दूं तो यही एक बेस्ट तरीका है साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें दोबारा टाइम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम हमें मिल जाता है अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ कहां, कहां पर प्रेजेंट है सबसे पहले बेटा दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एलव्योलाय हमने वहां पढ़ा था एलवियलाय में इस तरीके से प्रेजेंट है फंक्शन क्या होगा फंक्शन हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैस सबको पता है एक्सचेंज ऑफ गैस ठीक है blood vessel है नेक्स्ट बेटा ये blood vessel ये ये मान लीजिए आपकी में जो चपटे हुए मौजूद हैं हैं इसको हम लोग बोलते स्क्वामस एपिथेलियम तो सेकंड प्लेस इज गोइंग टू बी ब्लड वेसल की लाइनिंग ब्लड वेसल लाइनिंग यहां पर बेटा इनको स्पेशल नाम दिया जाता है ब्लड वेसल को लाइन करने वाले सेल कहलाते हैं एंडोथिलियम

ज हो, तो हो रहा है अंदर का सामान बाहर जा रहा है बाहर का सामान अंदर जा रहा है एक्सचेंज के लिए दरवाजा पतला होना चाहिए दरवाजा बड़ा कर दोगे दो तो तीन दरवाजा लगा दोगे तो मुश्किल होगा दैट इज वाई यहाँ पर यह एपिथिलियम चलता है पतला दरवाजा Then, आपके पास क्यूबॉडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा यूजुअली आपका डक्ट्स में प्रेजेंट हैं है पेनक्रियाटिक सलाइवरी डक्ट कई बार क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इस तरीके का आपको ब्रश बॉर्डर भी दिखाई देता है दिखता है यस कहां पर दिखता है जिसको नहीं पता मैं बता दूं दिस टाइप ऑफ सेल्स यू सी इन योर पीसीटी पीसीटी पता है नेफ्रॉन में नेफ्रॉन याद है कैप्सूल पीसीटी लूप ऑफ सी डीसीटी ये जो पीसीटी था पीसीटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इसीलिए पीसीटी के पास जो सेल थे उनके पास इस तरीके का माइक्रोविल्लाय दिस दिस इज माइक्रोविल्लाय इसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सिंस ये क्यूबॉइडल सेल है तो इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों लगाए हैं इंक्रीज़ द सरफेस एरिया जितना ज्यादा सर्फेस एरिया होगा उतनी ज्यादा होगी पीसीटी से ठीक ठीक मेरे बच्चों को लाइन करते हैं ओवरी को लाइन करते हैं और इन दोनों से जॉम सेल बनता है इसीलिए इनको बोला जाता है जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम ठीक है दैट सेट विथ क्यूबोइडल आ जाइए बेटा अरे एक मिनट एक मिनट ये क्या कह रहा है अगर ये रिस्टार्ट हो जाता बेटा तो गड़बड़ हो जाता <laughs> कह रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रिस्टार्ट नो नो बेटा क्लास के बाद रिस्टार्ट होगे तुम अभी नहीं हो सकते अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं सबका यही है पीछे देखो पि... हाँ आधे से ज्यादा बच्चे जाते हैं बस क्लास किसी तरीके से मजे कर लें बेटा ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं आपका मन तो करता नहीं पढ़ने का ऐसा करते हैं इसको मैं रिस्टार्ट कर देती हूँ तब तक हम लोग यहाँ पर टैलेंट हंड प्रतियोगिता कर लेते हैं टैलेंट हंड कॉम्पिटिशन जिसमें दो बच्चे आएंगे गाना गाएंगे दो बच्चे डांस करेंगे मैं भी आपको एक स्किप करके दिखाऊंगी और बेटा इस तरीके से हमारा काफी अच्छा टाइम पास हो जाएगा क्योंकि टाइम तो बहुत है हमारे पास टाइम बहुत है बेटा टाइम की कमी नहीं है तो बता दो किसने कौन सा आपके पास ना वो है क्या कहते हैं टैलेंट है कहेंगे फिर मैम हम हमारे पास तो टैलेंट भी नहीं है फिर मैं बोलूंगी बेटा चुटकुले सुना दो चुटकुले भी नहीं आते मैम हमें तो यस ध्यान दो बेटा ये लंबे लंबे सेल्स हैं कॉलम लाइक सेल्स हैं इलांगेटेड सेल्स हैं इसीलिए इनको बोला जाता है एपिथेलियम क्या बोला जाता है कॉलिमनार एपिथेलियम ये देखो इनका जो न्यूक्लियस है वो नीचे बैठा होता है सेंटर में नहीं होता थोड़ा सा बेस के पास होता है इन कॉलिमनार एपिथेलियम का बेसिकली काम है ग्लैंड को लाइन करना ग्लैंड <coughs> माने देखो सिक्रीशन है ग्लैंड जैसे लिवर एक ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड है ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ सामान निकालना है लिवर ने बाइल जूसेस निकालने हैं स्टमक ने गैस्ट्रिक जूसेस निकालने पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूसेस निकालने हैं तो जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ज्यादा जूस निकलेगा इसलिए बड़े बड़े सेल्स को ना ग्लैंड में भेज दिया है कि तुम ग्लैंड में जाओ और वहां पर जाकर यू you नो know, को करो तो जितना ज्यादा एक सेल के पास स्पेस होगा उतना ही क्या होता है माइक्रोविल्ला है अब ये तुमको पता है कहाँ देखने को मिलता है चैप्टर काट दिया है बट फिर भी पता होना चाहिए दिस इज सीन इन इंटेस्टाइनल मिकोजा आपको पता है ना इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में वो brush था. ये क्या है? Brush columnar. Columnar. फिर बेटा कुछ सेल्स मुझे ऐसे भी दिखाई देंगे जस्ट पे अटेंशन ये तो मैंने बना दिए ऐसे कुछ सेल्स मुझे ऐसे भी दिखाई देंगे ये कॉल्यूमनार सेल है क्या ये भी ब्रश बॉर्डर है अंतर देखिए क्या ये भी ब्रश बॉर्डर है ना ब्रश बॉर्डर में क्या होगा जो प्लाज्मा वही अंदर को फोल्डेड होगी इसमें क्या ऊपर बाल लगे हुए हैं इन बालों को क्या बोलते हैं सीलिया तो ये वाला ब्रश बॉर्डर नहीं है ये वाला है सीलिएटेड एपिथिलिया अब ब्रश बॉर्डर का तो काम होता है बेटा जी सरफेस एरिया को बढ़ाना लेकिन सीलिएटेड का काम सरफेस एरिया बढ़ाना नहीं है सीलिया तो चप्पू की तरह है आप बोट में बैठे हो बोट में बेटा चप्पू लगे होते हैं चप्पू मतलब वो डंडे से जिससे पानी को पीछे करते हैं एंड खुद आप आगे लेके जाते हो ओर्स जिनको बोला जाता है अब ओर का क्या काम है जिस डायरेक्शन में पानी को करेंगे उसी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट जाएगी सेम इज द केस विद सीलिया सीलिया में चप्पू की तरह काम करता है इसके कॉन्टेक्ट में कोई भी आएगा ना ये ब्रश की तरह उनको हटाता जाएगा मूव करता जाएगा एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है अब बॉडी में मूवमेंट कहा जाइए किसके पास मूवमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है फीमेल गैमिट फीमेल की ओवरी जब गैमिट रिलीज करती है बेचारे के पास स्पर्म की तरह टेल है बताओ स्पर्म की तरह टेल है ये देखो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ओवरी ओवरी ने यहाँ पे एग रिलीज किया इसके पास तो कोई टेल नहीं है तो क्या करें फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सिलियेटेड एपिथिलियम लगा देंगे उससे वो मूव होता जाएगा यानी कि जहां जहां बॉडी में मुझे मूवमेंट करानी है एक तो मुझे मूवमेंट करानी है फेलोपियन ट्यूब में ओवा की मूवमेंट क्योंकि ओवा के पास कोई टेल नहीं होती दूसरा बेटा जी मुझे करानी है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में ब्रेन में बेटा जी स्पाइनल फ्लूइड होता है बताया हुआ है स्पाइनल फ्लूइड होता है उस स्पाइनल फ्लूइड को भी हम ईपन डायमल सेल्स की मदद से क्या कराते हैं मूव कराते हैं ठीक है मूव कराते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्राकि में यानी कि आपको पता है ना जो भी गंदगी अंदर जा रही है वो सीलिया की मदद से नाक में आएगी और फिर नाक में से जो सामान निकलता है थैंक्स टू सीलिया. सीलिया लेके आए हैं उसको ठीक है जी तो ये बात होगी मेरे कोल्युमनार सेल्स की अब यहाँ पर स्पेशल टाइप के कॉलुमनार सेल्स जरा ध्यान दो जिनको मैंने यहां पर ऐसे बनाया है दिस इज ग्लैंडुलर एपीथिलियम ग्लैंडुलर एपिथिलियम अब बेटा ग्लैंड बड़े बड़े सेली बनाते हैं बड़े यानी कि कॉल्यूमार्ड ये जो ग्लैंडुलर एपिथिलियम है दो तरीके का हो सकता है या तो बॉडी में यूनिसेल्युलर ग्लैंड होंगे या फिर एक से ज्यादा सेल के बने होंगे मल्टी ठीक है ये जो यूनिसेलर ग्लैंड है वो एक ही है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉबलेट सेल गॉबलेट सेल इज द ओनली ग्लैंड जो कि सिंगल सेल का एज ए ग्लैंड काम करता है ये पीवाई क्यू में मुझे लगता है दो से तीन बार आ चुका है हर मॉक टेस्ट में आपको ये चीज मिल जाती है टेस्ट सीरीज में चीज मिलती है ऐसा ग्लैंड बताओ जो एक ही सेल का बनता है दैट इज गॉबलेट गॉबलेट सेल्स ठीक है मल्टी सेलर तो बहुत है सारे फिर मल्टी सेलर जो बच गए <coughs> बच गए सलाइवरी ग्लैंड सी क्या कहते हैं ऑयल जितने बन गए डाइजेस्टिव वो सब एक से ज्यादा सेल्स के हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड ठीक है जी तो ये बात होगी मेरे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की ठीक अब कुछ सेल्स बेटा ऐसे हैं जो कि धोखेदार सेल्स हैं तो धोखा बेटा तुमने भी तो दिया अपने दोस्तों को दोगला बन करते हो ना धोखेदार यानी कि जो सेल दोगलापन करते हैं ठीक है दिखते तो क्या है दिखते तो क्या है मल्टीलेयर्ड बट होते सिंगल लेयर्ड है ये देखो ये मेरे धोखेदार सेल्स हैं ये मैंने सेल क्या बनाए ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी ये जो सेल है ये ऐसा है एक सेल ऐसा है ध्यान देना दूसरा ऐसा है फिर एक ऐसा है फिर दूसरा ऐसा है फिर एक ऐसा है फिर दूसरा ऐसा है फिर एक ऐसा है फिर दूसरा ऐसा है, है फिर एक ऐसा है फिर दूसरा ऐसा है देखने में लगता है कि यार ये ना मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम है क्या है मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम बट ये धोखेदार है होता सिंगल लेयर्ड है इसको बोला जाता है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्यूडो यानी कि धोखा फॉल्स स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर ठीक है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इसमें सीलिया भी लगा हुआ हो सकता है सिलिएटेड भी हो सकते हैं और बिना सीलिया के भी हो सकते हैं समझ गए ना इनका धोखा धोखा यह है कि दिखने में ऐसा लगता है कि दो माले का है लेकिन है ये एक माले का ही कुछ घर होते हैं ना बेटा बना सिंगल फ्लोर होता है बट उन्होंने अंदर ही सीढ़ियां निकाल दी वी हैव सिंगल छत बट अंदर ही डिवाइड करने के लिए सीढ़ी निकाल दी हाफ में तो फ्लोर तो एक ही हुआ ना वैसे ही ये भी बेटा कुछ सेल छोटे हैं कुछ सेल बड़े हैं छोटे हैं बड़े हैं फिर बड़े हैं फिर, है, फिर छोटे हैं फिर बड़े हैं तो सेल के साइज के हिसाब से ऐसा अरेंजमेंट है कि हमें लगता है कि दो माले हैं लेकिन होता है एक माला यानी कि सिंगल लेयर्ड सेल है ये भी मुझे कहा जाएगा आपको पता है में में मिलेगा, मिलेगा, जो भी है है। वो ऊपर की तरफ भेजना बेटा, एपिडिदायमस। एपिडिदायमस में एपिथेलियम। ठीक मेरे बच्चों चलिए तो ये बात होगी एपिथेलियल सेल्स की हमने सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम पूरा डन कर लिया इसके बाद आता है लेयर्ड एपिथेलियम ये रहा मल्टीलेयर्ड एक ये सेल्स और इन सेल्स पे बैठे वन लेयर सबसे नीचे की देन ऊपर की देन उससे ऊपर देन उससे ऊपर काम क्या होगा क्या इसका काम सिक्रीशन है उनकी तरह नहीं क्या इसका काम एक्सचेंज कराना है नहीं मल्टीलेयर है प्रोटेक्शन कराएगा जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसको बोलते हैं स्ट्रैटम जर्मिनाटम जर्मिनाटम ठीक है अब ऊपर की लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना उसकी जैसी शेप होगी वैसा नाम रख देना मान लो सबसे ऊपर वाली सेल की शेप है स्कॉमस तो इट इज मल्टीलेयर को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। एक वर्ड लिखना भूल गए हम स्ट्रैटिफाइड तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मान लो ऊपर वाले स्क्वामस है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस ऊपर वाले क्यूबॉइडल है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ठीक है तो ऊपर जैसी शेप आएगी वो उसका नाम रख देंगे वो उसका हम नाम रख देंगे तो सबसे ऊपर वाले मान लो क्या है स्क्वामस है ठीक है स्क्वामस है ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम अब बेटा जी इस सबसे ऊपर वाले लेयर के पास क्या एक केराटिन नाम का प्रोटीन है या फिर नहीं है डेड होता है ये सेल को डेड बना देगा मान लो है ना तो वो एरिया डेड है अगर तो बेटा इस ऊपर वाले लेयर के पास केराटिन नाम का प्रोटीन है तो वो एपिथेलियम केराटिनाइज्ड अगर नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड तो नामकरण करो बेटा बच्चे का नामकरण करते हैं ना नाम बुआ रखेगी फिर बुआ आ रही है वो कह रही है मेरे अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए आर्यन फिर उसकी मम्मी कहती है ये क्या बात हुई मेरा बच्चा है मेरे को नाम रखने दो मैंने तो बच्चे का नाम सोचा था वीर ठीक है और फिर दादी कहती है अरे हमारा बच्चा तो चौहान है साथ में प्रताप भी लगाएंगे तो बच्चे के नाम में आ गया प्रताप आ गया उसका सरनेम तो बच्चे का नाम क्या हो गया आर्यन वीर प्रताप जॉन समथिंग मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है तो नाम में ना फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम लास्ट टू लास्ट नेम सब ऐड कर दिया तो यहां में हम भी हम नामकरण करेंगे अभी इसका ठीक है नामकरण ऐसे करते हैं मान लो इसके पास कैरेटेन प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा <laughs> इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड करो बेटा नामकरण स्ट्रेटिफाइड क्योंकि मल्टी मल्टीलेयर है स्क्वामस क्योंकि ऊपर की लेयर की शेप स्क्वामस है कर

कैरेटिन नहीं है तो नॉन कैरेटनाइज कर देते हैं नॉन कैरेटेड कर देते हैं एंड आगे आ जाएगा एपी ठीक है आगे आ जाएगा एक मिनट आगे आ जाएगा एपी अब ध्यान दो कैरेटिन एक डेड प्रोटीन है क्या है मेरे बच्चों कैरेटिन एक डेड प्रोटीन है ये वहां प्रेजेंट होता है जहां पर आपकी बॉडी में यू कैन से ड्राइनेस होती है यस ड्राई एरिया समझो कैरेटेन एक डेड प्रोटीन है मैं यहां लिख देती हूँ कैराटेन एक डेड प्रोटीन है डेड प्रोटीन पानी वानी को अंदर नहीं जाने देगा तो वेर एवर योर बॉडी हैज गॉट ड्राई एरिया विच नीड्स प्रोटेक्शन विच नीड्स प्रोटेक्शन देखो सिंपल सी बात है मल्टीलेयर में वहां होना है जहां प्रोटेक्शन चाहिए प्रोटेक्शन हमारी बॉडी में हमें बेसिकली बाहर जो एक्सपोज एरिया वहां चाहिए मेरे पूरे शरीर पे मुझे चाहिए जो बाहर एक्सपोज है अब कुछ एरिया मेरा एक्सपोज ड्राई है कुछ एरिया मेरा वेट भी है कुछ एरिया मेरे बच्चों मॉइस्ड है तो नॉन कैरेटेड वहां होगा जहां पर मॉइस्ड एरिया है बट नीड्स प्रोटेक्शन कैरेटेनाइज बेटा जी वहां होगा जहां पर ड्राई एरिया है बट नीड्स प्रोटेक्शन जगह बताओ बताओ आपकी बॉडी का कौन सा एरिया जिसको प्रोटेक्शन चाहिए और ड्राई है यस yes, कौन बताएगा <coughs> कौन बता रहा है मुझे जिसको प्रोटेक्शन चाहिए पर ड्राई है अरे बच्चों स्किन प्रोटेक्शन चाहिए बाहर है एक्सपोज है ड्राई है स्किन तो डू नॉट थिंक कि मेरी स्किन तो ऑयली है ये उस ऑयल की बात नहीं हो रही गीलेपन की बात हो रही गीला थोड़ा स्किन है ना वैसे तो ड्राई है ना तो यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी स्किन अच्छा अब बॉडी का वो एरिया जिसको प्रोटेक्शन चाहिए जो गीला है एक्सपोज है, है लेकिन मॉइस्ट है आंखें आंखें कॉर्निया है ना देखो कॉर्निया बाहर के कांटेक्ट में है प्रोटेक्शन चाहिए बाहर टांग, टांग बाहर निकाली बार के कांटेक्ट में है गीली है प्रोटेक्शन चाहिए और बताओ आ, और आ जाएगा वजाइना ठीक है प्रोटेक्शन चाहिए बाहर के कांटेक्ट में है ये इतना हिस्सा आ करोगे ना ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा अपर पार्ट ऑफ हिस ऑफ एग्स प्रोटेक्शन चाहिए बाहर के कॉन्टेक्ट में है ठीक है बकल कैविटी आ करोगे बकल कैविटी बाहर के कॉन्टैक्ट में गीली है बकल कैविटी के पास नॉन यस ऑफ कोर्स इसको भी नॉन केरेटेनाइज एपिथिलियम प्रेजेंट होगा तो मेरी क्लास में आओगे बेटा रट्टे नहीं मारते हम हम यहाँ रट्टे मार के नहीं जाएंगे कि केरेटन में ये डाल दो नॉन केरेटन में ये डाल दो कॉन्सेप्ट सीखिए ये स्ट्रेटिफाइड है मतलब प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मतलब बाहर के कॉन्टेक्ट में है कैरेटिन एक डेड प्रोटीन है आपने शैंपू की एड नहीं देखी शैंपू की एड तो देखी होगी बहुत सारे आते हैं ये इसमें शैंपू है हमारा कैरेटिन के गुण है इसमें आपको कैरेटिन ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कैरेटिन इज बेसिकली डेड प्रोटीन जो हमारे नेल्स में होता है हमारे बालों में होता है तभी शैंपू वाले बोलते हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट करा लो पार्लर में जाओ बेटा लड़कियां समझ सकती हैं लड़कियां समझेंगी वेन यू विल गो इन टू यू नो वेलॉन्स अभी तो नहीं जब आप कॉलेज में जाएंगे और थोड़ा बहुत विजिट करेंगे तो इनमें शाइन आ जाएगी तो शाइन देने वाला एक्चुअली में कैरेटिन है ठीक है नेचुरली हो बेटा हाँ इनसे कराने से कुछ नहीं होता ठीक है ओके नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एपिथिलियम जो की है बिल्कुल रबर बैंड की तरह अब मेरे पास यहाँ रबड़ बैंड है नहीं था तो पर अभी नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं एक मीटर रबड़ बैंड देखा ऐसे स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल रबर बैंड की तरह दैट टाइप ऑफ एपिथिलियम इज ऑल्सो स्ट्रेटिफाइड इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथिलियम स्पेशल टाइप ऑफ एपिथिलियम लिख रही हूं ट्रांजिशनल एपीथिलियम इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये रबर बैंड की तरह ना स्ट्रेच हो सकता है स्ट्रेचेबल है कहां स्ट्रेचेबल चाहिए ये मैंने क्या बनाया बताओ ये मैंने क्या बनाया ब्लैडर इसमें जब यूरिन भरता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये फूलता है गुब्बारे की तरह फिर यू नो रिलैक्स हो जाता है यानी कि एपिथेलियम यू विल फाइंड इन योर यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर लिटिल बिट ऑफ यूरेटर किया था ना वहां पर जो एपिथेलियम होगा उसको बोलते हैं एपिथेलियम व्हिच इज स्ट्रेचेबल एपिथेलियम रीनल पेल्विस में मिलेगा दैट्स इट अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू अब एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स आपस में बातचीत भी करते हैं ये देखो मान लो ये दो सेल बैठे हैं समझ आ रहा है मजा आना चाहिए बेटा ये दो सेल बैठे हैं ठीक है ये ये सेल कहता है मैंने ना आज खाने में कैल्शियम बनाया हम लोग जैसे कड़ी वडी बनाते हैं ये लोग कैल्शियम पोटेशियम बनाते हैं ये रहा लूंगा? कैसे लेगा? बताओ. लगी हुई है खिड़कियां के मतलब भी लगी होती हैं इस खिड़की की मदद से आयंस का मॉलिक्यूल्स का एटम्स का आदान प्रदान होता है ठीक अच्छा अब ये दोनों ये दोनों बेटा पड़ोसी सेल थे इन्होंने मिलकर करी चोरी एक किलो सोना इसके घर पड़ा है एक किलो सोना इसके घर पड़ा है कह रहे हैं गलती से भी ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए गलती से भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए और ना ही किसी को पता चलना चाहिए हमारे पास सोना है अब कोई बाहर से अंदर भी नहीं आना चाहिए अंदर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए तो ये बेटा गोदरेज का ताला खरीद के लाए स्पेशल ताला खरीद के लाए और यहाँ लगा दिया टाइट 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 लगा दिया ताकि ना यहां से कुछ बाहर जा पाए ना ही यहां से कुछ बाहर जा पाए तो ये भी एक तरीके का जंक्शन है कि कुछ लीक नहीं हो सकता ना खबर लीक होगी ना ही सोना लीक होगा ठीक है तो ये एक तरीके का जंक्शन हो गया जिसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन ठीक है और फिर हो सकता है ये दोनों सेल भाई भाई हैं ठीक है तारक मेहता का जो उल्टा चश्मे भाई भाई थे चलो नहीं थे <laughs> ये सोनू है और ये मोनू है ये कह रहे हैं हम लोग ना वैसे तो मित्र हैं क्यों ना इस मित्रता को रिश्ते में कवर, कन्वर्ट कर लिया जाए हम लोग क्या करते हैं अपने आ, दोनों घरों के बीच में एक सीमेंट लगवा लेते हैं जिससे हमारी ना मजबूती बढ़ जाए और दोनों आपस में जुड़े रहे जोड़ने के लिए इन्होंने बीच में स्पेशल सीमेंट टाइप लगवा लिया जिससे कभी अलग नहीं होंगे एंकरेज रखवा ली कि मान लो अगर एक को खतरा आया तो दूसरा उसको बचा सकता है तो अब मैं इतने हिस्से को ये मैंने इसलिए बेटा कहानी बताई क्योंकि अब मैं इतने हिस्से को ना जूम करके बनाने वाली हूँ पे अटेंशन इतने हिस्से को मैं अभी जूम करके बनाऊंगी तब मैं तुम्हें ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगी जो मैंने अभी तुम्हें बताया तो जस्ट पे अटेंशन हम इतने हिस्से को बड़ा करके बनाएंगे रेडी रेडी चलो तो ये सेल है येलो कलर का <laughs> मजा आ रहा है ना है बच्चों? बताओ मजा आ रहा है ना आ नहीं आ रहा तो आना चाहिए अगर इसमें मजा नहीं आ रहा तो जिस चीज में आता है वो चीज करो डॉक्टर मत बनो क्योंकि ये हिस्टोपैथोलॉजी तो जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना तब भी बहुत सारी चाहिए पहले बनाएंगे बेटा के फर्स्ट ईयर में इस चीज की चलो आओ एपिथेलियल टिश्यू केस नंबर वन केस नंबर वन है इसने बनाई कड़ी कह रहा तू भी कड़ी ले कड़ी लेने के लिए बीच में बना दी ये खिड़की ये खिड़की बनी हुई है एक्चुअली में प्रोटीन से जिनको हम कनेक्शन बोलते हैं चलो नाम याद मत करो बस ये याद कर लो ये है मेरी खिड़की और यहाँ बना दिया मैंने एक जंक्शन जिसके वजह से यहाँ की बनाई हुई कड़ी या जो भी आप बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने तो कड़ी बनाई है यहाँ की बनाई हुई कड़ी यहाँ आ जाएगी ठीक है यहाँ की बनाई हुई कड़ी इस वाले सेल में आएगी फिर वो कह रहा है यार अब इन्होंने कड़ी दी है मुझे भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा है ना मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो इन्होंने जबरदस्ती उस दिन क्या बनाए छोले बनाए और क्या चल ठीक है तूने मेरे को कड़ी दी मैं तुझे छोले दे दूंगा यानी कि आदान प्रदान हो सकता है दिस टाइप ऑफ जंक्शन इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं गैप जंक्शन बोलते हैं फिर अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जिसमें बेटा दोनों ने मिलकर एक एक किलो सोने की चोरी करी सोने की चोरी करी तो खबर बाहर नहीं जानी चाहिए तो गोदरेज का ताला लेकर आए और यहां पर लगा दिया ठीक है गोदरेज का ताला लेकर आए एक तरीके से और यहां पर लगा दिया इस जंक्शन को जो कि लीक होने से सामान को रोकता है दिस इज कॉल्ड एज टाइट जंक्शन इसको हम क्या बोलते हैं टाइट जंक्शन दिस प्रिवेंट्स लीकेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जंक्शन में से सवाल आता है लीकेज गैप जंक्शन का काम हो जाएगा इंटर कम्युनिकेशन सामान को इधर उधर भेजना अब तीसरा केस करते हैं जिसमें सोनू और मोनू ने कहा हम अपने बीच की दीवार मजबूत कर लेते हैं और अच्छे से जुड़ जाते हैं तो यहां पर हमने लगा दिए है प्रोटीन्स ये देखो इन्होंने यहां पर प्रोटीन्स लगाए बाहर की साइड भी साइटोप्लाज्म की साइड भी और अंदर की साइड भी ठीक है जिससे मजबूती बढ़ जाएगी मजबूती बढ़ाने के लिए जो जंक्शन है इसको बोला जाता है देस्मोसोम. देस्मोसोम. काम है इट्स लाइक like, आप स्कूल में शर्ट पहनते हो ना शर्ट का इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा अलग होता है लेकिन जो बटन होता है बेटा बटन वो दोनों जोड़ के रखता है दोनों साइड को लेफ्ट और राइट है कि नहीं है कि नहीं बेटा शर्ट में एक जगह बटन लगे होते हैं दूसरी जगह काज होते हैं ओपनिंग होती है लेकिन वो जो बटन ही है जो लेफ्ट और राइट साइड को जोड़ेंगे तो ये बटन है आर दोस बटन्स ठीक है चलो अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा एक सेल है वो नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी तो जुड़ा हुआ है तो यहां पर एक आधा डेस्मोसोम बनता है जो कि सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ता है दिस इज कॉल्ड एज हेमी डेस्मोसोम दिस इज कॉल्ड एज हेमी डेस्मोसोम डेस्मोसोम

इसमें तो जितना एक्स्ट्रा पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंग है वो मैं बता रही हूँ पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंग इनरेलीवेंट कुछ नहीं है सब कुछ टू द पॉइंट एनसीआर है लेकिन पिछले साल जो पीवाई क्यूज में चीजें आती थी वो मैंने बताई नर्वस और मसल में वो सारी मैं तुम्हें न्यूरल कंट्रोल और वहां बता चुकी हूँ यहाँ पे मैं सारा रेलिवेंट तुमको बता दूंगी डोंट वरी कनेक्टिव टिश्यू बेटा कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक एमेजोन का पैकेट आता है ना अमेजोन से आप सामान मंगाते हैं किसी भी यू नो मार्केट प्लेस से सामान मंगाते हैं मान लो आपने मंगाया एक पेन क्या मंगाया पेन ठीक है अब पेन आया आना तो चाहिए था छोटे से डब्बे में इतने बड़े डब्बे में पेन आया यहां यहां पर फूस भर दी उन्होंने कई बारी वो व्हाइट सा पेपर लगा देते हैं बबल वाला कई बारी इसमें वो ग्रीन ग्रीन कलर की झालर झालर सी भेज देते हैं लगाकर आजकल क्या करने लगे हैं ब्राउन कलर का थोड़ा मोटा कागज रैप करके लगा दे रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू पता क्या है ये है फूस ये पेपर खाली जगह बॉडी में कहीं भी खाली जगह दिख रही है लगा दो कनेक्टिव टिश्यू जगह भरेगा बैठ के है ना डब्बे और पेन के बीच की जगह किसने भरी कनेक्टिव टिश्यू ये भी ऐसे ही है बॉडी में कहीं भी खाली जगह है किससे भर दो कनेक्टिव टिश्यू से भर दो तो ठीक है जहां पे भी खाली जगह है कनेक्टिव टिश्यू से भर देंगे इसी वजह से बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है सबसे ज्यादा बॉडी में आपको यही मिलेंगे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है ठीक है जी यस इनके ओरिजिन की बात करें तो दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन ओरिजन की बात करें तो दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन हर कनेक्टिव टिश्यू बेटा हर कनेक्टिव टिश्यू के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं हर कनेक्टिव टिश्यू के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज सेल होंगे टिश्यू है तो सेल तो होंगे ही होंगे हां जी यहां पर बेटा जी फाइबर्स भी मौजूद होंगे फाइबर्स तीन तरीके के फाइबर्स बेटा जी इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक होता है कलाजन फाइबर्स एक होता है आपका इलास्टिन फाइबर्स एक होता है रेटिकुलर रेटिकुलर ठीक है कलाजन फाइबर कहीं भी मिलेंगे तो सफेद रंग के होंगे तभी इनका नाम रहता है व्हाइट कलाज़न फाइबर व्हाइट कलाज़न फाइबर ठीक है व्हाइट क्लाजन फाइबर तो दे विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ यस देन इलास्टिन फाइबर्स इलास्टिन हमेशा येलो होंगे और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे जहां भी होंगे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ठीक है रेटिकुलर बेटा नेटवर्क वाले फाइबर ये ज्यादा नहीं पड़ेंगे हम। हम बात करेंगे मतलब तुम याद कर लो जब भी मैं बोल रही हूं इलास्टिन मतलब इलास्टिसिटी ठीक है यस आर यू विद मी और नॉट आपस में बतियाना हो गया तो बताओ ठीक

मैं दाल बनवाऊंगी एक्चुअली आपसे अभी नहीं आती तो पूछो मम्मी से हाउ टू मेक दाल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दाल मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ दाल इट इज 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 द फर्स्ट स्टेप लगाना तड़का क्या है मेरा पहला स्टेप हां जी कॉम्पोनेंट से मैंने इधर रख दिया क्योंकि दाल की तरह ही है दाल बनाने में पहला स्टेप हाँ हाथ तो बेटा बहुतों के खड़े हैं लेकिन इनको आती नहीं है मम्मी बोल देगी पर हाथ ऐसे खड़े हो जाएंगे नहीं मम्मी हम नहीं बना पाएंगे आप ही बना के जाओ हम तो बस गर्म कर सकते गर्म करने के अलावा हमें कुछ नहीं आता है यस कह रहे दाल का पहला स्टेप होता है भूनना गलत सबसे पहला स्टेप बताओ दाल गलाना तड़का गलत सबसे पहला स्टेप होता है बेटा जी <coughs> गैस चलाना चलो गैस चलाने से पहले भी दाल को निकालना धोना एनीवे बेसिक जो दाल बनती है तड़के के बाद भी आप बना सकते हो मतलब जनरली जो दाल बनती है वो ऐसे बनती है पानी लिया जाता है पानी में दाल डाली जाती है फिर प्याज टमाटर भी डाल सकते हो आप ठीक है या आप नमक डाल सकते हो ठीक मतलब बेसिकली द मीडियम इन विच दाल इज फॉर्मड मीडियम क्या है वॉटर पानी में फिर आप दाल के दाने डालते हो और उसे उबालते हो फिर आप ऊपर से तड़का लगाते हो ये एक यू you नो know, 90 परसेंट लोग इसी तरीके से दाल बनाते हैं बाकी बहुत वेरिएशंस भी हैं वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू का मीडियम क्या है मीडियम यानी कि किसके अंदर मैं ये सेल रखू किसके अंदर ये फाइबर रखू मीडियम इज बेसिकली माई मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के अंदर ये समान हम भरेंगे ठीक है मैट्रिक्स के अंदर समान भरेंगे सेल का मैं टाइप लिखना चाहती हूँ कौन कौन से तरीके के सेल मुझे यहां मिलेंगे वन टाइप ऑफ सेल इज गोइंग टू बी फाइबर बनाने वाले सेल फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट इधर आ जाती आ मैं फाइब्रोब्लास्ट <coughs> देखो इसमें फाइबर होना है ना ये देखो फाइबर को बनाने वाला सेल फाइब्रोब्लास्ट प्लास्ट सेकेंड टाइप ऑफ सेल बेटा जी जो यहां पर हम करेंगे प्लाज्मा सेल हमें मिलेंगे यहां पर प्लाज्मा सेल फॉर्म्स एंटीबॉडी एचएचडी में किया था अब एच एच डी क्या है बेटा हम हमारे तो कुछ बना लो एच एच डी इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आई एम वेरी बैड विद इट हाँ जी और हमें मिलेंगे कुछ फैगोसाइटिक सेल दैट इज मैक्रोफाज मैक्रोफाज विल परफॉर्म फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस और बेटा जी हमें कुछ मिलेंगे यहाँ पर मास्ट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है मास्ट सेल मास्ट सेल में सबसे पहला नाम आ जाएगा मास्ट सेल क्या क्या करते हैं फंक्शन histamine, histamine बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुको ये एक मिनट ये कैसे था हाँ इन तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टामिन बैसो डाइलेटर जब मच्छर का काटता है या कभी एलर्जी होती है तो लाल ही हो जाती है किस वजह से होती है क्योंकि ब्लड वेसल बड़े हो जाते हैं डायमीटर बढ़ जाता है दैट इज मान लो पहले ब्लड वेसल का डायमीटर सेंटीमीटर था जैसे ही वहां एलर्जी होगी तो हिस्टामीन आएगा हिस्टामीन इस सेंटीमीटर को टू सेंटीमीटर कर देगा तो ब्लड वेसल थोड़ी बड़ी हो गई बड़ी होगी तो ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो चीज वो लाल दिखेगी तो कहीं भी चोट लगती है मच्छर काटता है कोई थप्पड़ मारता है तो लाल आता है ना हाँ थप्पड़ मार के देख लो सेरोटोनिन इज वैसो कंस्ट्रिक्टर ये क्या करती है ब्लड वेसल के डायमीटर को कम कर देती है हेपरिन ब्लड को लिक्विड फॉर्म में ही रखेगी जमने नहीं देगी सॉलिडिफाई नहीं होने देगी इन साइड योर बॉडी बॉडी में ब्लड लिक्विड रहता है आप ब्लड को बाहर निकाल के देख लीजिए देख लो जब आप ब्लड को बाहर निकालेंगे और किसी नॉर्मल सी वायल में रख देंगे जिसमें आपने एंटीक्गुलेंट नहीं डाला है ब्लड विल क्लॉट कुछ समय रखने के बाद ब्लड जो है उसके थक्के जम जाते हैं खून सॉलिडिफाई हो जाता है जिसको बॉडी में कौन प्रिवेंट करता है हेपरिन ओके okay. तो ये कुछ तरीके के सेल्स हैं है। साथ, साथ में डिपोसाइट्स यानी मिलके क्या बनाते हैं मेरा कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं अब कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो टेबल बना रही हूं आधे से ज्यादा सवाल तो इस टेबल में से आएंगे हाँ देख लेना तुम टेस्ट रख लूंगी जैसे आज मैंने बेटा उसका टेस्ट रखा है ना एक दो तो, ठीक आज मैंने उसका टेस्ट रखा है कॉकरोच का इफ यू वॉन्ट एनिमल टिश्यू का भी टेस्ट हो तो रेज योर हैंड अप

चलो रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है कॉकरोच का आज टेस्ट है लिंक पिंड है आपने एनरोल करना है साढ़े छह बजे क्लास शुरू कर देंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब सच्ची में इसकी दाल ऑथेंटिक दाल है जिसमें सेल भी मिल रहे हैं फाइबर में मिल रहे हैं और मैट्रिक्स मैट्रिक मिल रहा है तो ये असली दाल खानी है ना बेटा लंगर करना पड़ता है लंगर करने जाना पड़ता है पता हो तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू ध्यान देना बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब पतली दाल डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब गाढ़ी दाल दाल बनाते हैं बेटा सब बच्चे इधर फोकस करो चलो दाल बनाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब मुझे दाल पतली बनानी है पतली बनानी है तो पानी ज्यादा रखो या कम रखो खेल बेटा इन तीनों का ही है सेल फाइबर मैट्रिक्स मैट्रिक्स पानी है उसकी दाल है मतलब दाल के दाने और बाकी एक्स्ट्रा सामान प्याज टमाटर आपका फाइबर है तो मुझे पतली दाल बनानी लूज दाल मतलब पतली दाल तो किसको ज्यादा रखें पानी को ज्यादा रखें कम रखें पानी को ज्यादा रखना पड़ेगा यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें देयर इज मोर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ज्यादा है मैट्रिक्स ज्यादा और प्याज टमाटर थोड़े कम रखेंगे लेस फाइबर्स रखेंगे ठीक है तो वो हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा गाढ़ी दाल गाढ़ी दाल में पानी कम है प्याज टमाटर दाल का जो अमाउंट है वो ज्यादा है यानी कि देयर इज गोइंग टू बी लेस मैट्रिक्स ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ठीक है एंड फाइबर्स क्या होंगे ज्यादा होंगे लेस मैट्रिक्स एंड मोर फाइबर्स एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल हेयर इज एर टिश्यू अभी पढ़ेंगे एंड एडिपोज टिश्यू फैट वाला टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल रहेगा टेंडन एंड लेगा इसको मैं थोड़ा नीचे रखती हूँ डेंस में बेटा आगे टाइप्स आ जाती हैं जस्ट अ सेकेंड डेंस में ना आगे टाइप्स आ जाती हैं देयर इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है जो दाल है ना वो सीधी सी दिख रही है मतलब रेगुलैरिटी में रेगुलरिटी मतलब मैं भी फोटो दिखाऊंगी आपको डेंस रेगुलर वुड बी लाइक दिस एक मिनट मान लो ये सारे मुझे फाइबर्स दिख रहे हैं और बीच बीच में ऐसे सेल दिख रहे हैं तरीके से अरेन्ज है रेगुलैरिटी है टेंगामेंट इेगुलर में क्या है

हां जी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज में बेटा दो दो सेक्शन बना दूंगी मैं एक आएगा स्केलेटन बॉडी का स्केलेटन बनाता है जो और दूसरा आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जी बॉडी का स्केलेटन कौन बनाता है दो इस टिश्यू आपको याद होने चाहिए हम कर चुके हैं दैट इज कार्टिलेज एंड बोन फ्लूइड बेटा बॉडी में दो है एक है ब्लड एंड ले कनेक्टिव टिश्यू की एक खास बात मैं अभी बताना चाहूंगी क्या खास बात बताना चाहूंगी दैट दिस इज दैट टिश्यू विच इज विदाउट फाइबर्स वैसे तो हर कनेक्टिव टिश्यू में तुमको सेल फाइबर मैट्रिक सब मिलता है लेकिन लिम्फ और ब्लड यानी कि फ्लूइड हमारी बॉडी के ऐसे है फाइबर लेस कनेक्टिव टिश्यू जिस बच्चे ने मेरे से बॉडी फ्लूड पढ़ा है वहां पर हमने ब्लड के साथ ये लाइन लिखी थी इट इज अ फाइबर लेस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर नहीं होते इसमें कोई क्लाजन कोई में नहीं मिलेगा बाकी सब में मिलेगा बाकी सब में मिलेगा ये भी आता है क्वेश्चन नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर तो तुम बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर इज गोइंग टू बी ब्लड एंड लिम्फ ब्लड एंड लिम्फ ठीक है चलो अब मैं तुम्हें यहां से दिखाती हूँ कर लिया ये कर लिया <coughs> अच्छा हाँ ये चीज बेटा यहाँ पर एक बार ही नोटिस करना ये मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में कराई थी ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग पोरिंग्रेशन ग्लैंड दो तरीके के होते हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन याद है कि नहीं है लिखवाऊ ये मेरा रह गया था यहाँ पर लिख बना देती हूँ ग्लैंड बेटा जी दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन अगर तो मान लो ग्लैंड टारगेट तक अपना सामान विद द हेल्प ऑफ डक्ट भेजे डक्ट प्रेजेंट है तो वो ग्लैंड कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड ठीक है लेकिन अगर ग्लैंड थोड़ा स्मार्ट हो अगर ग्लैंड बेटा जी क्या हो स्मार्ट हो ये क्या करे टारगेट तक कोई डक्ट ना बनाए बस अपना सामान ब्लड वेसल में भेज दे आपको पता है बॉडी में ब्लड वेसल चल रही होती है तो ग्लैंड बड़ा चालाक होता है ग्लैंड अपना सामान ब्लड में भेजता है आपको पता है ब्लड वेसल तो टारगेट तक भी पहुंचेगी कोई डक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन एनी थिंग एक्सेप्ट हॉर्मोन हॉर्मोन को छोड़ के सब यहां आ जाता है हॉर्मोन को छोड़ के जैसे सलाइवा तो सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया ऑयल ऑयल ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया एंजाइम्स एंजाइमेटिक ग्लैंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड ये ग्लैंड वो ग्लैंड सब एक्सोक्राइन है एंड इनका सेक्रेशन सिर्फ और सिर्फ कौन होता है हॉर्मोन्स तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड 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 आपका gland, 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 ये मेरे एंडोक्राइन फिर मैंने आपको वहां बताया था कुछ ऐसे ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड काम करते हैं दोनों का काम करते हैं बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है एक्सोक्राइन पोर्शन भी है बॉडी में दो ही बेटा ऐसे ग्लैंड्स हैं

तो ये जो पीछे तुम्हें लाइट कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज मैट्रिक्स ठीक है ये सारा मैट्रिक्स है सेल एक ये ग्रीन कलर का सेल है ये भी सेल है ये भी सेल है ये भी सेल है ये भी सेल है, है ये भी ये भी ये भी सारे सेल फिर मैंने बोला कुछ सेल ऐसे हैं, जिसमें से फाइबर निकलेंगे फाइब्रोब्लास्ट तो ये जो ग्रीन वाला सेल दिख रहा है इसमें से ये ब्लू ब्लू फाइबर निकल रहे हैं ना तो इन सेल्स को हम लोग बोल देंगे फाइब्रोब्लास्ट लेबलिंग देखो बेटा इस वाले पोर्शन की लेबलिंग आ सकती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग देखिए इसका नाम हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट क्योंकि हमें ही रहा है इसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं देखो इन फाइबर्स का भी नाम दिया है कोलेजन फाइबर्स क्या देंगे कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथ देंगे ठीक है स्ट्रेंथ देंगे और सेल देख लो ये जो ऊपर सेल दिख रहा है मैक्रोफाज मैक्रोफाज का क्या फंक्शन बताया मैक्रोफाज का फंक्शन बताया आप साइटोसिस अच्छा अभी नीचे सेल देखो मास सेल मास सेल का क्या फंक्शन बताया हिस्टामिन हेपरिन सेरोटोनिन एच एच एस एच एच एस एच स्क्वायर एस है बेटा इसका काम हिस्टामिन हेपरिन सेरोटोनिन पहचान करनी आनी चाहिए कि ये जो इरेगुलर सी शेप है मैक्रोफाज की है ये जो बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये मास सेल है ये कोई पहचान सकता है कौन से सेल है हाँ जी सन टेस्ट सीरीज में फोटोसिंथेसिस भी आ रहा है बिल्कुल आएगा डाला है मैंने हाँ जी ये कौन से सेल है वेरी गुड गार्गी दैट इज एडिपोसाइट अगला ही टिश्यू है एडिपोसाइट्स क्यों ऐसा दिखता है मैं भी बताऊंगी तो दिस इज अबाउट द एरियोलर टिश्यू ये किसके बारे में है एरियोलर टिश्यू बढ़िया नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे है ना <coughs> ये बेटा एरियोलर टिश्यू है हमारा एरियोलर टिश्यूज पूरे कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट अबंडेंट यही है पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है फोटो हमने देख ली है सेल्स का फंक्शन पहले लिख लिया था पैकेजिंग टिश्यू है ये एपिथेलियम को सपोर्ट करेगा सपोर्ट एपिथेलियम यही बेटा है जो आपकी ब्लड वेसल के अराउंड पाया जाएगा अराउंड ब्लड वेसल ब्ली मतलब ब्लड वेसल अराउंड नर्व्स अराउंड मसल्स हमें यही एरियोलर टिश्यू मिलता है यही मिलता है जैसे प्लांट्स में पैकेजिंग के लिए पैर का होता है यहाँ पैकेजिंग के लिए आपका एरियोलर टिश्यू है एरियोलर टिश्यू है एडिपोज टिश्य एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू में अभी जस्ट आपने देखा ये मान लीजिए सेल है सेल का न्यूक्लियस तो बेटा बिल्कुल यहां है बाकी की सॉरी स्पेस एक ग्लोब्यूल लेकर जा रहा है एंड इस ग्लोब्यूल को हम लोग बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल क्या बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल तो दिस इज द न्यूक्लियस ठीक है so तो ये मेरा हो गया एडिपोज टिश्यू क्या काम होता है बेटा जो लोग मोटे होते हैं ना जिसमें फैटी टिश्यू ज्यादा होता है उनको गर्मी नहीं लगती ज्यादा ठंड नहीं लगती सॉरी दैट इज दे हैव इंसुलेटिंग एक्शन इंसुलेशन प्रोवाइड करता है गगन याद है सबको माई क्लासमेट किसी दिन बेटा उसने हमारी क्लास देख ली ना वो मुझ पर केस कर देगा मुझे ऐसा यस <laughs> yes. देखे सुना है अच्छा नहीं देखा नहीं होगा सुना है किस, -किस ने कहानी सुनी हुई है एडिपोज कनेक्टिव इज वन विच सा फैट ग्लोब्यूल होता है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है यानी कि बॉडी से एनर्जी को हीट को लूज नहीं होने देता एंड बेटा एज कुशन एक्ट एज क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन है ना आपके आईज अराउंड प्रेजेंट है हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट uh, लंग्स uh, के अराउंड प्रेजेंट है सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अराउंड है यस ओहो आधे बच्चों को पता ही नहीं हो इस गगन कैसे चलेगा फिर काम गगन नहीं पता <laughs> देखिए गगन यूज्ड टू बी माय क्लासमेट इन स्कूल मैं अपने स्कूल की बात बता रही हूँ बिल्कुल सच बात है वो मेरा क्लासमेट तो होता था साथ ही में बेटा वो ना मेरा पड़ोसी भी होता था हमारा घर ऐसे था मतलब माय हाउसेस है और एंड उसका हाउस ऐसे एल शेप में था तो अब जो पड़ोसी है वो तो आपको दिख ही जाएगा अभी बेटा ही इज एट सम गुड गवर्नमेंट पोस्ट अब मुझे ये पता नहीं है एस एस का उसका एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया था वो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे ही है और मिनिस्ट्री मतलब <coughs> पहले ठंड भी ज्यादा पड़ती थी मतलब हमारे एरिया में बहुत ठंड पड़ती थी तो इतनी ठंड में भी वो गगन ना वेस्ट में दिखाई देता था बनियान है ना स्लीवलेस बंडी में घूम रहा है वेस्ट में घूम रहा है बनियान डाल के घूम रहा है ठीक है तो सब लोग हैरान होते थे कि इसको क्या ठंड नहीं लगती जब सब लोग टोपी डाल रहे हैं ग्लव्स डाल रहे हैं गर्म कपड़े डाल रहे हैं इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही ऐसा क्या है गगन में फिर बेटा बायो हमने पढ़ी और बायो में पता चला कि उसके पास एडिपोस टिश्यू है वो निर में पूरा उसने सर्दियां निकाल दी उसने मुझे लग रहा है पूरी सर्दियां अः गर्म पजामा नहीं पहने जो हम सब लोग पहनते हैं बिकॉज ही वॉज हैविंग एंड इंसुलेशन इन हिस्स बॉडी तो यहां से बेटा हम गगन को याद करते हैं <laughs> तो बस यही कहानी है बेटा गगन की यस तो जब भी ये फैटी टिश्यू की बात आती है ना तो उसका जिक्र जरूर हो जाता है हाँ जी तो दो तरीके का एटीपोज टिश्यू होता है एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्राउन व्हाइट होता है जिस जिस सेल के अंदर एक ही फैट ग्लोब्यूल हो यानी कि ये मोनोलॉक्यूलर है जो मैंने अभी बनाया मोस्ट कॉमन मोनोलॉक्यूलर ये वाला ये जो मैंने बनाया ना यही अपना मोनोलॉक्युलर यानी कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू है इसके अंदर सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगा तभी इसका नाम है मोनोलॉक्युलर अगर मान लो सेल इस तरीके का है ये सेल है और इस सेल के अंदर मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल है इन सब में फैट भरा हुआ है तो ये हो जाएगा मल्टीलॉक्युलर तो वो हो जाएगा ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक तो ये चीज है इसका कलर ब्राउन क्यों आया आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट ठीक है इसकी वजह से कलर क्या आया अपना ब्राउन आया ये व्हाइट हमें कहां पर मिलेगा इंसुलेशन की तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इंसुलेटिंग लेयर की तरह ये ब्राउन कहां मिलता है ब्राउन बेटा वो है जिसमें माइटोकॉनरे भी बहुत ज्यादा होते हैं मतलब एनर्जी इसमें बहुत है ये जनरली आपको छोटे बच्चों न्यू बॉर्न में मिलेगा न्यू में मिलेगा एंड ये आपको हाइबरनेटिंग मैमल्स में मिलेगा हमारे में नहीं अब हम एडल्ट हो चुके हैं हाइबरनेटिंग मैमल्स में आपको ये चीज मिले ठीक है न्यू बेबीज आप भी देखो कांपते नहीं है आप ले जाओ उन्हें घुमाने के लिए दो महीने का तीन महीने का बाहर ले जाइए बेटा ठंड में ले जाइए स्नोफॉल में ले जाइए आपको कभी भी नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी कांपते हुए दिखाई नहीं देंगे बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है ज्यादा एनर्जी बनती है और वो हीट को काफी देर तक प्रिजर्व करके रखता है एज योर बॉडी ग्रोज योर ब्राउन चेंजेस इन टू व्हाइट ठीक है तो हमारे पास अब जो टिश्यू प्रेजेंट है व्हाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है और बेटा जी ब्राउन को तो फिर भी आप कभी भी फूड का सब्सिट्यूट नहीं यूज कर सकते नॉट यूज्ड एज सब्सिट्यूट ऑफ फूड फूड सब्स्टिट्यूट लेकिन वाइट को कर सकते हो ठीक चलिए तो ये बात हो गई एडिपोस टिश्यू की एडिपोस टिश्यू की देन आता है आपके आपके सामने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कांगियंस हम्म कुछ तो गड़बड़ कर, कर दी हमने उल्टा-पुल्टा कर दिया रुको हाँ, जस्ट अ सेकंड मैं अरेंज कर लूं स्लाइड्स को स्लाइड्स उल्टी-पुल्टी हो गई है कोई बात नहीं हाँ जी तो हमारा आ, लूज कनेक्टिव टिश्यू इज डन डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो टेंडन एंड आता है मैं यहीं पर मेंशन कर रही हूं कि टेंडन क्या करता है टेंडन की अगर बात करें इट कनेक्ट बोन टू मसल है ना कनेक्ट मसल टू बोन मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन है टेंडन लिगामेंट की बात करें तो इट कनेक्ट बोन टू बोन दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला कौन है लिगामेंट अगर कोई बोले कि मेरे को मोच आ गई है मोच क्या होता है स्प्रेन होता है क्या होता है स्प्रेन तो स्प्रेन किस वजह से आती है होता है ना हम बहाना मारते हैं मम्मी आज स्कूल नहीं जाना क्यों मेरे पैर में मोच आ गई है क्यों आई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लेगामेंट एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लेगाट खिंच जाता है लेगामेंट इसकी वजह से आपको मोच आ जाती है ठीक है इसको हम बोलते हैं स्प्रेन राइट right, मेरे बच्चों इसको हम बोलते हैं बोलते हो ना झूठ झूठ बोलते हो आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है आज मेरे को ये हो गया एसिडिटी हो रही है उल्टी आ रही है ये सब बहाने हैं बेटा आपके तो आप अगली बार ये मत बोलना मेरे को मोच आई है अगली बार बोलना देर इज एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट दैट इज माई मदर आई कैन नॉट गो टू स्कूल ठीक है प्लीज अलाउ मी टू स्टे एट होम एंड वॉच सम टीवी स्लीप सम टाइम एंड हैव सम गुड फूड ओके

टू डिस्कस कार्टिलेज एंड बोन सबसे पहला आता है मेरे पास कार्टिलेज राइट आ जाओ कार्टिलेज के पास फिर मैट्रिक्स होगा बिल्कुल होगा क्योंकि ये भी कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स होना तो जरूरी है मैट्रिक्स इसका सॉलिड होगा बट प्लायबल होगा सॉलिड मैट्रिक्स बट प्लायबल प्लायबल का मतलब होता है इसको दबाया जा सकता है ये कार्टिलेज है बेटा इसको माइंड में रखा करो ये देखो दबाया जा सकता है इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन पंच की तरह होता है इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन कार्टिलेज के पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इनको हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रा कॉन्ड्रा वर्ड इज यूज फॉर कार्टिलेज प्लीज रिमेंबर कॉन्ड्रा 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 कार्टिलेज ठीक है तो कार्टिलेज के जो सेल्स है ना वो मम्मी सेल से बनते हैं मम्मी सेल क्या है कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज के मम्मी सेल है मम्मी मतलब मदर सेल्स ये मम्मी सेल डिवाइड करके मेजर सेल बनाएंगे इन मेजर सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्रोसाइट ठीक है जी अब कई बार हमें कार्टिलेज के सेल्स को ना मारना भी होता है किलर भी चाहिए मम्मी चाहिए तो किलर भी चाहिए तो किलर सेल्स बेटा जी होते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट कॉन्ड्रोक्लास्ट दैट इज कार्टिलेज किलिंग सेल्स कार्टिलेज ईटिंग सेल्स किलिंग मतलब ईटिंग सेल्स ठीक है तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई कार्टिलेज से रिलेटेड वर्ड है कॉन्ड्रा कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज के बीच में एक प्रोटीन प्रस्तुत होता है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का क्या नाम है कॉन्ड्रिन कार्टिलेज का जो सेल है वो ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है मान लो बेटा ये मेरी आउटर मेमब्रेन है जिसको हम पेरी बोलते हैं कार्टिलेज के आउटर है दिस इज कॉल्ड एज एसपेरिकॉन्ड्रम दिस इज कॉल्ड एज एसपेरिकॉन्ड्रेम ठीक है ये मेरे कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये देखो कॉन्ड्रोसाइट है ये भी कॉन्ट्रोसाइट है ये कार्टिलेज के सेल्स ऐसे ही नहीं बैठे एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट है दिस फिल्ड स्पेस जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट इनको हम लोग बोलते हैं लैक्यूना ठीक है क्या बोलते हैं लैक्यूना तो ये मेरे कॉन्ड्रोसाइट है कार्टिलेज वाले सेल है ये एक फ्लूड फिल्ड स्पेस में बैठे हैं लैक्यूना इसमें वन लैक्यूना कैन है तीन से चार चार्ड्रोसाइट हो सकते हैं हो सकते हैं हाँ जी बना दिए मैंने देखो एक में तीन बनाए हैं एक में दो बनाए हैं एक से चार नॉट तीन से चार वन टू तो फोर वन टू तो फोर कॉन्ड्रोसाइट कैन बी प्रेजेंट इन वन ओके क्लियर है बाकी ये सारा अपना मैट्रिक्स है कार्टिलेज में बेटा जो ब्लड सप्लाई है ना वो बाहर तक ही आता है अंदर तक नहीं आता है यहीं तक है ब्लड सप्लाई लिमिटेड टू पेरिकॉन्ड्रियम ये ब्लड आ रहा है बाहर तक ही है ब्लड सप्लाई लिमिटेड टू पेरिकॉन्ड्रियम तभी बेटा अगर चोट आपकी कार्टिलेज में लगती है ना बहुत समय लगता है उसको ठीक होने में यही हड्डी टूट जाए हड्डी में चोट लगे तो फिर भी जल्दी रिपेयर हो जाती है मान लो यहाँ ये कार्टिलेज में इस जगह पे कार्टिलेज में चोट लगे तो उसको समय लगता है क्योंकि रिपेयर होने के लिए चोट को ठीक होने के लिए ब्लड चाहिए क्योंकि ब्लड में सारा न्यूट्रिशन है सेल्स है ऑक्सीजन एवरीथिंग इज देर अगर मेरी ब्लड सप्लाई नहीं है तो मैं ठीक कैसे होऊंगा है ना तो वही बात है यहाँ पर ब्लड सप्लाई सिर्फ पेरिकॉन्ड्रीम तक ही है कार्टिलेज जल्दी ठीक नहीं होता इसमें चोट लग जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है तीन तरीके का कार्टिलेज होता है बेटा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज दिए एक बार देखने दो हम्म हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया कार्टिलेज को एक बार यहां से देख लेते हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड लायबल रेजिस्ट कंप्रेशन सेल ऑफ टिश्यू जिसको कोंड्रोसाइट्स बोलते हैं दे आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विदइन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम मैंने आपको नाम बता दिया इन स्मॉल कैविटीज का क्या नाम है लैकुना क्या नाम है लैकुना ठीक है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस आर रिप्लेस्ड बाय बोन इसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन इस प्रोसेस को जिसमें कार्टिलेज से बोन बनती है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑसिफिकेशन ठीक है कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोस ये देखिए

मैं लिख देती हूँ यार मेरे को शांति नहीं पड़ती थ्री टाइप्स नाम लिख रही हूं बस पहला हाईलाइन हाईलाइन बेटा ट्रैक्ल रिंग्स में है रिब्स में है ठीक है यस दूसरा मैंने लिखा व्हाइट फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस मतलब क्लाजन फाइबर है इसमें तो स्ट्रेंथ वाली जगह पे होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तीसरा येलो इलास्टिक कार्टिलेज जैसे टिप ऑफ नोज येलो इलास्टिक कार्टिलेज ठीक है तो मैम को भी शांति पड़ गई अब चलते हैं आगे बोन्स पे एस पर फोटोसिंथेसिस की प्रैक्टिस करवा करवा देंगे करवा देंगे कोई बात नहीं अभी आप मेरे परिट्री से क्वेश्चंस उठा लीजिए आपके पास मेरी बुक है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए थ्री सिक्सटी एनसीआर वाली जो बुक है वहां से सॉल्व कर लीजिए आज तो कॉकरोच कराना है तो आज तो नहीं करा सकते हैं साढ़े छह बजे कॉकरोच की क्लास है मैं जरा चेक करूं तुमने एनरोल किया कि नहीं किया मैं जरा चेक करना चाहती हूँ तुमने एनरोल किया कि नहीं किया अभी तक तो, तो नहीं किया यार क्लास मैंने यहां या दिख रही है तुमको तो चार्ट में पिंड कर दिया मूविंग ऑन टू बोन बोन बेटा काफी सॉलिड मटीरियल है एंड इट्स अ हार्ड हार्डर देन कार्टिलेज ऑब्वियसली बात है कार्टिलेज से क्या है बेटा जी काफी हार्ड है अगर मैं बोन का स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा यस yes. दिख रहा है यस yes. ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एपी दिस वन इज कॉल्ड एज एपी फाइसिस ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज डाइसिस डाया ठीक है अगर मैं बोन में बात करूं हम शुरू से सुनते आ रहे हैं बोन मैरोस है, मैरो है, मैरो है, मैरो है, यहां पर बेटा इस जगह पर प्रेजेंट है मेरे पास येलो बोन मैरोज द प्लेस ऑफ येलो बोन मैरो मेरे पास यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट है इस जगह पर दिस इज अ प्लेस ऑफ रेड बोन मारो ठीक है तो ये है मेरा येलो बोन मारो और ये है मेरा रेड बोन मारो टिप्स पे है मेरा एक्चुअल गाम तो सेल बनाने का रेड बोन मारो करता है रेड बोन मारो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस बट येलो बोन मारो लिपिड स्टोर करता है कल को मान लो एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए बहुत सारे ब्लड सेल ब्लड लॉस हो जाए तो नए ब्लड सेल बनाने पड़ेंगे इन दैट केस येलो ऑल्सो कन्वर्स टू रेड बट अल्टीमेट जनरली क्या होता है रेड वाले सेल बनाते हैं ये लिपिड स्टोर करता है ये क्या करता है लिपिड स्टोर करता है अब बोन के जो सेल्स हैं इनका एक स्पेशल नाम है बोन के सेल्स के लिए नाम आता है ऑस्टियोसाइट्स ठीक है तो इसके मम्मी सेल कौन से होंगे ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट इसके मम्मी सेल हो गए

मान लो एक बोन सेल मेरे को ना ऐसा दिखाई दे रहा है Do you see? Star shape. तो बोन तो के, के पास वन सेल होगा मां तो क्या था एक लैक्यूना के पास दो तीन कॉन्ट्रोसाइड थे यहां पर एक लैक्यूना में एक ही फिट आता है एक ही फिट आता है ठीक है अब मान लो मैं बोन का सेक्शन लू ऐसे कट कर दो बेटा बोन को कट कर दिया यस yes. इस तरीके से बोन को कट कर दो तो मुझे क्या दिखाई देगा ध्यान देना तो मुझे क्या दिखाई देगा मैंने कट किया बोन को तो यहां पर मुझे दिखाई दिया बाहर की लेयर दिस इस पेरी जैसे पेरी था देखो सेम 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 है दिस इज पेरी ऑस्ट्रियम यहाँ पर मुझे कुछ कैनॉल्स दिखाई देंगे दीज केनोल्स आर कॉल्ड एज लंबे लंबे से होते हैं इनको बोलते हैं हवर्शियन कैनोल हवर्शियन कैनोल इनके नल के आसपास बोन के सेल्स एक कंसेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं ये देखो ये सेल्स हैं ये जो मैं डॉट 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 लगा रही हूँ ना दीस आर ऑल सेल्स इन्होंने कंसेंट्रिक रिंग पैटर्न बनाया देख रहे हो कंसेंट्रिक रिंग पैटर्न बनाया इस कंसेंट्रिक रिंग पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं लेमेले क्या बोलते हैं लेमेले ये एक मेरा ऑस्टियोसाइट है ऑस्टियोसाइट है तो जब हेवर्शियन केनॉल के अराउंड के ऐसे गोल गोल, गोल 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 बोन के सेल होंगे तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टियॉन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है ये जो ऑस्टियॉन है बेटा दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग मैमिलियन बोन सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा लॉन्ग मैमेलियन बोन में और किसी में नहीं मिलता एम्फीबियन में रेप्टाइल में किसी की बड़ी बोन में नहीं मिलेगा हमारी लंबे मैमल्स की बोन में ये सिस्टम नाम का चीज प्रेजेंट है और बेटा जी अंदर देखोगे दिस इज द बोन बोन मैरो मैरो तो यहां भी ऑस्ट्रोसाइट है यहाँ भी ऑस्ट्रोसाइट है तो बोन की ग्रोथ ना बाई डायरेक्शनल होती है यहाँ से भी नए सेल सैलाड होते हैं यहाँ से भी होते हैं दैट्स इट बस इतना याद रखिए ये जो दो हेवर्शियन केनॉल है ना बेटा लंबे लंबे दिस इज वन हेवर्शियन केनॉल

सब बच्चे बोलो तो दो हेवरशन के नोल आपस में कनेक्टेड कैसे हैं कनेक्टेड है, है फोकमेंस कैनोल से इस हेवरशन कैनोल में ब्लड वेसल होंगे नर्व्स होंगे कुछ सेल्स होंगे ये सब चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी एंड अगर ग्रोथ की बात की जाए बोन की दैट इज बाय डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल ग्रोथ होती है फोकमेंस बोलना फ फो है लिखना व है ठीक चलो बोन देख लेते हैं हार्ड है हां जी नॉन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इस लाइन को बिल्कुल यहां से फोकस करें नॉन अप्लायबल दबा नहीं सकते हो कार्टिलेज को दबा सकते थे तुम तो. ठीक है रिच इन कैल्शियम एंड क्लाजन फाइबर्स इट्स मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, बोन सपोर्ट करती है प्रोटेक्ट करती है सॉफ्ट टिश्योसा एक, एक ही है. बिल्कुल सही है। ये जो मेरी फीमर है ये पूरी बॉडी का जब हम खड़े होते हैं वेट उठा के बैठी है दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद मसल अटैच टू ब्रिंग अवर्ट मूवमेंट बिल्कुल बोन मसल से जुड़ी हुई है ये देखो ये मेरी यहाँ बोन है और ये मसल से भी जुड़ी हुई है बोन इन सम बोन इज अ साइट ऑफ लॉन्ग बोन्स में जो बोन मैरो होता है वहां बोन सेल बनते हैं हमने देख भी लिया रेड बोन मैरो बोन सेल बनाता है येलो वाला लिपिड स्टोर करता है लेकिन जरूरत पड़ने पर येलो भी रेड में कन्वर्ट हो सकता है जरा फोटो देखो यहाँ पर सब बच्चे ये किसकी फोटो है <coughs> तुम खुद तो बताओगे ये किसकी फोटो दिख रही है ये दिख रही है कार्टिलेज की पेक क्योंकि इसमें कार्टिलेज वाले सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइड्स अब ध्यान से देखो ये तुम्हारी बोन है बोन में ये तुम्हें कैनॉल दिख रहा है और ऐसे गोल 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 कंसेंट्रिक रिंग्स में सेल्स अरेंज्ड हैं तो ये कौन सा कैनॉल होगा ये होगा हेवर्शियन कैनॉल हेवर्शियन कैनॉल और ये आपके लेमेले के फॉर्मड में कंसेंट्रिक रिंग माने लेमेले के फॉर्म्ड में सारे सेल्स जो है वो अरेंज्ड है ऐसे बहुत सारे हेवर्शियन सिस्टम होते हैं ये है ये है ये है ये है ये है बहुत सारे होते हैं मैंने तो एक ही बनाया समझ आ गया बाकी प्लेटलेट्स डूबीसी हम उसी चैप्टर में पढ़ते हैं भी इस चैप्टर में इनके बारे में कुछ नहीं लिखती है कुछ नहीं लिखती है हम लोग सब निपटाने वाले हैं जिसका नाम है मॉस्क्यूलर टिश्यू रेडी थके तो नहीं है बेटा थक तो नहीं गए थक गयो तो फिर क्या करें पानी पियो कवर करो मेरे साथ मैं पर खड़े होकर इतनी देर बोल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल सकते मसल yes. yes. के लिए कहीं भी यूज हो वर्ड यूज होता है या तो सार्को या फिर मायो सार्को या मायो तो मसल के लिए मसल के सेल्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है मसल फाइबर लंबे लंबे सेल होते हैं इसको मसल फाइबर बोला जाता है मसल फाइबर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल मैं वही करा रही हूं जो मैंने आपको उस वाले चैप्टर में कराया था मायोफाइब्रिल्स बने होते हैं से एंड ये जो मायोफिलामेंट है ये प्रोटीन से बनता है वन इज एक्टिन वन इज मायोसिन ये कहानी है तीन तरीके की मसल बेटा जी हमारी बॉडी में होती है थ्री टाइप्स यस किसी को पता है कौन सी टाइप है एक मिनट कौन सी ये तीन टाइप्स है टाइप नंबर वन टाइप नंबर टू द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इन योर बॉडी इज केलेटल मसल जी, दूसरी वाली कौन सी है स्मूथ मसल तीसरी वाली कौन सी है हृदय वाली कार्डियक मसल स्केलेटल मसल की बात करें तो ऐसे लंबे लंबे मसल फाइबर होते हैं लंबे लंबे सेल है ये एक सेल ये दूसरा सेल ये तीसरा सेल ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल इनकी शेप है पहले समझ लो उसके बाद लिखेंगे और इसके अंदर ना मुझे डार्क लाइट डार्क लाइट बैंड दिखाई देते हैं जब मुझे ऐसे डार्क लाइट ये मेहंदी की तरह दिखाई देते हैं ना बैंडिंग तो मैं बोलती हूँ तुम ना स्ट्राइटेड हो क्या हो स्ट्राइटेड हो और बेटा जी यहाँ पर न्यूक्लियस भी बहुत सारे दिखते हैं ये देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है स्ट्राइटेड है मल्टी न्यूक्लिएटेड अब वॉलेंट्री है सिलेंड्रिकल है कोई ब्रांचिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही स्मूथ मसल में बेटा जरा ध्यान दो ये ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं

इसमें भी मुझे थोड़ी थोड़ी फेंट फेंट स्ट्राइशंस दिखाई दे रही है तो ये भी स्ट्राइटेड है बट फेंटली स्ट्राइटेड है दो जब कार्डियक सेल जुड़ते हैं ना बीच में एक डिस्क भी मिलती है मुझे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क ठीक है ये यूनि न्यूक्टेड है देखो एक न्यूक्लियस क्या, 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 क्या है क्या है ये भी यूनि न्यूक्टेड है ठीक है एक ये मल्टी न्यूक्टेड थी मेरी इधर वाली तो अब लिखना शुरू कर दे हां जी स्केलेटल मसल सबसे पहली चीज सिलेंड्रिकल है डार्क और लाइट बैंड्स मौजूद हैं बैंड्स मौजूद है, है। इसीलिए इस वाले मसल को बोला जाता है स्ट्राइटेड मसल दूसरी चीज बेटा ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है और मैंने बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड है मल्टी न्यूक्लिएटेड है और क्या बताया ब्रांचिंग है नो no ब्रांचिंग कोई भी ब्रांचिंग यहां पर मौजूद नहीं है ठीक है और दिस कंट्रोल्स द वॉलट्री ऑर्गन्स एग्जाम्पल आपकी लिंब बोन्स के साथ अटैच होगी ये देखो मेरे हाथ वॉलेंट्री ये भी वॉलेंट्री लेग्स भी वॉलेंट्री जो जो वॉलंट्री चीज कंट्रोल कर रहा है वो आपका स्केलेटल मसल है वो आपका स्केलेटल मसल है और ये थक भी जाती है गेट्स गेट्स पेटीक्ड इजीली आसानी से थक जाएंगी थक जाता है बंदा लिख रहा है इतनी देर से तुम भी बोलोगे मैम मेरा हाथ थक गया है तो यही है थकान स्मूथ मसल देखिए स्मूथ मसल का शेप क्या है स्पिंडल शेप्ड शेप, इसी शेप को ने एक न्यू नाम दिया है जिसपे पीवाई क्यू भी है लाइट बैंड नहीं है इसमें एक्टिन माइसिन है लेकिन बैंड्स नहीं बना रहे हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल है ठीक है और कोई भी ब्रांचिंग नहीं है ब्रांचिंग नहीं है एंड इट कंट्रोल्स द इनवॉल्ट्री मूवमेंट ऑफ योर बॉडी जैसे मेरा खाना मूव कर रहा है मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्या मैं बोल सकती हूँ खाने को कि भाई इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में आ जा क्या ना इसे क्या मैं अपने यूरिन को बोल बोल सकती कि ब्लैडर से चल के यूरेटर में आ जा बोल सकते हैं क्या हम जायगोट को बोल सकते हैं कि चलो तुम यूट्रस में उठ के जरा ना फेलोपियन ट्यूब में आ जा नहीं बोल सकते है. ये सब इनवॉलेंट्री हो रहा है ये जायगोट भी मूव कर रहा है यूरिन भी मूव कर रहा है खाना भी मूव कर रहा है दैट इज ऑल इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है यानी कि स्मूथ मसल बोल रही है एक बच्चा कह रहा है बोल सकता हूं मैं हम्म क्या बात है बेटा कोई एवेंजर वगैरह हो क्या है जो बोल सकते हो दो तरीके का होता है सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट ठीक है सिंगल यूनिट होती है कि बहुत सारी स्मूथ मसल्स है और वो इकट्ठे काम करती हैं कि पूरे ऑर्गन में बहुत सारे स्मूथ मसल्स हैं एंड दे वर्क टुगेदर As a single unit काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे दूसरा है मल्टी यूनिट ये एक है ये दूसरा है ये अलग अलग है ये आपस में इनके पास कोई गैप जंक्शन नहीं है नो गैप जंक्शन अब बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इकट्ठे इनवॉलेंट्री काम हो रहा है मूवमेंट हो रही है एग्जाम्पल इज योर यूट्रस यूट्रस में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होती है ना बेटा जब बच्चा पैदा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होंगी आपका यूरिनरी ब्लैडर जब डेट्रूसर मसल याद आया नाम वहां पर क्या दिया था डेट्रूसर मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी यूरिन नीचे आएगा स्टमक में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फूड काइम बनके अगले हिस्से में जाएगा मल्टी यूनिट में देखो ब्लड वेसल <coughs> ब्लड वेसल किसी जगह की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है किसी जगह की नहीं हो रही है इरेक्टर मसल ऑफ हेयर जब बेटा हैोंगटे खड़े होते हैं जब रोंगटे खड़े होते हैं तो क्या सारी बॉडी के ये वाले बाल भी खड़े हो जाते हैं रोंगटे खड़े होंगे तो यही होगा ना बम्प्स जिनको हम क्या बोलते हैं बम्प्स तो यही वाले बाल खड़े होंगे लेग्स के हो सकते हैं ये वाले तो नहीं खड़े हो जाते हैं तो दे हैव सिंगल uh, एक तरीके से मल्टी यूनिट जुड़े नहीं हुए अलग अलग लोकेशन का मसल अलग अलग अकेले अकेले काम करता है आप इमेजिन करो कि किसी के रोंगटे खड़े हो ये तो चलो बाल खड़े हैं और ये भी ओहो डरावना सीन हो जाएगा बेटा दैट इज फाइलोर यस इरेक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर सो दैट इज मल्टी यूनिट नॉट सिंगल एक तर, एक साथ काम नहीं करते हैं सारी मसल नेक्स्ट आता है आपके पास कार्डियक शेप हमें दिख रही है सिलेंड्रिकल है और बहुत अच्छे से ब्रांचिंग भी दिख रही है ब्रांचिंग मौजूद है इन्हीं ब्रांचिंग को हम ऑब्लिक ब्रिजेस बोलते हैं ऑब्लिक ब्रिजेस बोलते हैं ठीक है और फेंटली स्ट्राइटेड है तो अगर स्ट्राइशन आएगा तो प्रेजेंट लिखेंगे फेंटली स्ट्राइटेड है ठीक है यस नेक्स्ट यूनि यह हमने शायद लिख लिया यूनि है एंड साथ में दे से दिख रहा है ना दिस इज लेटेड डिस्क बहुत बारी सवाल आता है इंटरकैलेटेड डिस्क किस वाली मसल में दिखता है तो कार्डियक मसल में बूस्टर की तरह काम करता है कि मान लो राइट uh, एट्रिया right के एक सेल तक सिग्नल आ गया तो वो फटाफट से सारे सेल्स को भेज देगा मतलब इट्स लाइक एन एम्पलीफायर राइट चलो ये हो गया एंड दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री आपका हृदय तो किसी के कंट्रोल में नहीं है इनवॉलेंट्री है दैट इज इनवॉलेंट्री और कभी नहीं थकते नेवर गेट फिटिंग ट फिटेक्ट एग्जाम्पल अराउंड हार्ट अराउंड कार्डिय मसल बस ये आपको याद रखना है कार्डियक मसल में ओके जी विद मॉस्क्यूलर टिश्यू आखिरी टिश्यू बच गया है जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू नर्वस टिश्यू कर ले तैयार है सब बचे नर्वस टिश्यू के लिए यस नर्वस टिश्यू का जो रिजन है वो मेनली एक्टोडर्मल है देखो एक्सेप्शन सब में एक्सेप्शन मसल में भी थी यहां भी एक्सेप्शन है बट मैं एक्सेप्शन पे नहीं जा रही हूँ मैं मोस्ट ऑफ चीज पे जा रही हूँ ओरिजिन इज एक्टोडर्मल ठीक है एक्सेप्ट अगेन एक्सेप्ट माइक्रोग्लायल सेल माइक्रोग्लायल सेल इनका ओरिजिन ना मीजोडर्मल होता है बाकी सारा नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है जो नर्वस टिश्यू है बेसिकली बेटा ये दो तरीके के सेल से बनता है हमें सबको पता है दो तरीके के सेल से बनता है एक सेल का नाम है न्यूरॉन दूसरे सेल का नाम है न्यूरोग्लायल सेल न्यूरॉन तो हम सबको पता है न्यूरोग्लायल सेल हमारे कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है नया नहीं है नया नहीं है अच्छा ये जो न्यूरॉन है बेटा जी दिस न्यूरॉन इज मेजर सेल जिसके पास डेंड्राइट एक्सॉन ये सब प्रेजेंट होगा तो दिस न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल

न्यूराइट साइटॉन वो हिस्सा जिसके पास न्यूक्लियस है जिसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं सोमा भी बोलते हैं भी बोलते हैं न्यूराइट बेटा जो ब्रांच निकल रही है दो तरीके की ब्रांचेस है कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं बहुत सारी होती है एक सिंगल लंबी सी ब्रांच निकलती है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं ठीक है डेंड्राइट विल बी स्मॉल एंड मेनी एक्सॉन विल बी लॉन्ग एंड ओनली वन ओनली वन न्यूरोग्लायल सेल देखने में लगता है बेकार से सेल होंगे छोटे से होंगे कम जगह लेते होंगे बट 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 पीवाई जो आ रहा है यहां पर मोर देन फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम ऑफ दिस टिश्यू इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूरोग्लायल सेल लगता है कि कम होगा लेकिन आपके जहां जहां नर्वस टिश्यू है वहां मोर देन फिफ्टी परसेंट स्पेस कौन लेके बैठे हैं न्यूरोग्लियल सेल लेकर बैठे हैं बहुत सारे बेटा श्वान सेल न्यूरोग्लियल हैं। श्वान सेल हो गया आपके एस्ट्रोसाइट्स हो गए ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गए ये सब जो भी एक्स्ट्रा सेल दिखाई दे रहा है ना नर्वस टिश्यू में वो सब क्या है न्यूरोग्लियल व्हाटएवर एक्स्ट्रा न्यूरोग्लियल न्यूरॉन को छोड़ के जो भी है न्यूरोग्लियल ओके okay जी यस yes. समझ आ गया चलिए और आपको पता होना चाहिए जैसे मसल में स yes. और हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन में इधर आ जाओ इधर से दिखाती हूँ यहाँ बना हुआ <coughs> okay, neural, neural neuron, unit, है ओके न्यूरल टिश्यू देखिए न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एक्साइटेबल सेल्स है न्यूरोग्लाइल है न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन इस लाइन में से बेटा पीवाई क्यू आ चुका है न्यूरोग्लाया मेक्स अप मोर देन वन हाफ मोर देन वन हाफ मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट हो गया ना

ये क्या है न्यूरोग्लाया आपको ये ड्रॉ क्या करते लेबल करना आ सकता है फिर भी बेटा मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहती हूं दिखाना मेरा कर्तव्य है बहुत जरूरी है देख लोगे तो ठीक रहोगे हम्म जस्ट अ सेकेंड एक मिनट लगेगा बस आ रहा है साढ़े छह बजे कॉकरोच की क्लास एनरोल कर लेना हाँ जी हम्म कर रही हूँ कर रही हूं ओके अब मैं इसको यहां लेके आती हूँ रुको हाँ जी ये बेटा डायग्राम जनरली हम नर्वस टिश्यू वाले चैप्टर में कराते हैं तो मैं जस्ट आपको एक रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक न्यूरॉन किस तरीके से दिखाई देता है सब बच्चे मेरे साथ हैं ये साइटोन है ये, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है ध्यान दो साइटोन से यहाँ पर ब्रांचेस निकल रही है इनका नाम है डेंड्राइट ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस है ये न्यूरोप्लाजम है देन बेटा साइटोन और डेंड्राइट में कुछ आरईआर प्रेजेंट है इन आरईआर को हम लोग क्या बोलते हैं नेसल ग्रैन्यूल बोलते हैं इन आर का काम क्या है प्रोटीन बनाना राइबोसोम्स होते हैं ना प्रोटीन बनाते हैं यहाँ जो प्रोटीन बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ठीक है जी न्यूरो ट्रांसमीटर देन ये देख लो एक्सोन के अराउंड ये जो पिंक कलर के सेल्स बनाए हैं न्यूरो सेल्स है दीज ग्लायल सेल्स आर कॉल्ड एस श्वॉन सेल पीएनएस की बात करें तो श्वॉन होते हैं सीएनएस की बात करें तो यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं जो कि अंदर की साइड पर एक इंसुलेटिंग व्हाइट कलर का सामान रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीत अगर माइलिन शीत मौजूद होगी तो न्यूरॉन माइलिनेटेड है अगर मौजूद नहीं है तो न्यूरोन नॉन माइलिनेटेड है व्हाइट कलर की होती है और इंसुलेटर का, का काम करती है जहां जहां माइलिन शीत एपसेंट है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर ठीक है no और इस एक्सॉन की स्टार्टिंग में ही यहां पर ही क्या प्रेजेंट है एक्सॉन हेल्लॉ व्हिच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ दिस

कहां से डायरेक्ट स्टिमुलस के डायरेक्शन क्या है अगर तो बेटा जैसे नॉर्मल हमने ऊपर बनाया डेंड्राइट रिसीव करते हैं मैसेज को फिर वो सेल बॉडी को देते हैं फिर वो एग्जॉन को देती है डेंड्राइट अगर बहुत सारे हैं और रिसीव करने वाली जगह बहुत सारी मल्टीपल जगह से रिसीव हो रहा है और एक जगह से आगे जा रहा है तो पोलैरिटी इसकी बहुत ज्यादा है डायरेक्शंस बहुत ज्यादा होगी ना इधर से भी आ रहा है मैसेज इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है दिस इज मल्टीपोलर जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये टाइप ऑफ न्यूरॉन बेटा एक ही साइड पे डायरेक्शन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन है ना दिस इज ओनली वन डायरेक्शन एक ही जगह है यहीं से मैसेज आना है यहीं से आपका रिस्पांस चला जाना है देन ये देखिए इधर से मैसेज आया इधर से गया यानी कि ये डेंड्राइट की तरह काम कर रहा है ये एक्सॉन की तरह काम कर रहा है दिस इज बाइपोलर न्यूरॉन आपकी आईज में है. Uh, में प्रेजेंट प्रेजेंट है है ऑफ यस ये वाला न्यूरॉन देखिए ये सेल बॉडी है यहां से हमें लग तो रहा था कि यूनिपोलर है लेकिन आगे जाके धोखा देके बाईफरकेट हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो ये भी आपको बेटा यहाँ पर याद रखना है डायरेक्शन हमेशा यूनिक डायरेक्शनल होगी डेंडराइट रिसीव करेंगे मैसेज को एंड एग्जॉन उसको आगे लेकर जाएगी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिक डायरेक्शनल अच्छा माइलिन शीथ कहां पर कौन सिक्रिएट करता है अगर नर्वस सिस्टम में सीएनएस की बात करें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ इज माइलिनोडेंड्रोसाइड बाय पी एंड पीएनएस की बात करें इट इज सिक्रिएटेड बाय द श्वान सेल्स क्लियर विद दिस नाउ वी आर डन विद ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल ए सब बच्चों को क्लियर है

आज की क्लास में अगर आज मैंने एक बारी भी नहीं बोला और तुमने किया नहीं मैं नहीं बोलूंगी तो तुम नहीं करोगे लाइक नहीं किया आई एम वेरी यू नो डिसेड विद यू आज मैं भूल गई बीच में घंटी नहीं बजी घंटी बजती तो मैं बोल देती है फटाफट से लाइक करो इतनी देर से क्लास लगा रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किया कर दो कर दो फटाफट से फटाफट से लाइक कर दो क्लास को एंड सब बच्चे लाइक like तो करेंगे ही करेंगे एंड कमेंट करके जरूर जाएंगे समझ आया या नहीं आया ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल ठीक है टू लैख थर्टी थाउजेंड से ऊपर बच्चे हैं उसी को ज्वाइन करिएगा दैट इज नो वन रेस्ट ऑल आर फेक ठीक है तो उसको ज्वाइन कर लेना मैं भी क्लास के तुरंत बाद आपको नोट शेयर कर दूंगी सेशन को लाइक कर दो एंड कमेंट हर बच्चा करके जाएगा क्यों और कल की क्लास इसी समय चार बजे ही होगी मॉर्फोलॉजी की और व्हाट इज लिविंग की ठीक है चलो मेरे बच्चों अब मिलते हैं हम कल की कक्षा में आ, साथ में बेटा आपको एक चीज दिखा दूं। ये हमने पढ़ लिया मैं साथ में ओल्ड एनसीईआरटी भी ऐड कर दूंगी डोंट वरी ओल्ड एनसीईआरटी सारी ऐड कर दूंगी कोई दिक्कत नहीं है <coughs> हाँ जी आन पे ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं सात दिन के लिए फ्री ट्रायल चालू हो चुका है नीचे लिंक दिया हुआ है तो उस लिंक से बेटा फ्री ट्रायल अपना ऑन कर लेना देखना वहां पर कैसे होती है प्लस क्लास कैसे होते हैं टेस्ट कैसे बच्चे यूज करते हैं उसके पूरे प्लानर को बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है मजा आ जाएगा आपको देख के एंड बहुत सारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं जैसे कि क्रैश कोर्स आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे टीचर्स का स्टार्ट हो चुका है हमारा भी आने वाला है ठीक है तो सीप लाइफ कोड लगा के आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो इससे आप फ्यूचर में जो मेरा कोर्स भी आएगा उसमें भी आप एडमिशन ले पाएंगे और मेरी मेन्टोनशिप में आ जाएंगे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज बेटा इस बार फ्री टेस्ट सीरीज है संडे को होने वाली है ये सारा सिलेबस आने वाला है मैंने आपको क्या क्या करा दिया ये करा दिया ये करा दिया ये करा दिया ये दोनों मैं आपको कल करा दूंगी तो सारा सिलेबस अपना हो जाएगा 10th दिसंबर को 12 बजे ये फ्री टेस्ट सीरीज बेटा मैं हर बच्चे के लिए कराती हूँ आप कहीं भी पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वेर एवर यू स्टडी डू अटेंड दिस टेस्ट सीरीज क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ कि दो सौ रुपया दे दो हजार दे दो नो नथिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजिंग टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है यस yes? चलो अब मिलते हैं साढ़े छह बजे लिंक यहाँ पिंड है के दिखाऊंगी मैं आपको बनाएंगे हम साथ में उसके करने वाले हैं करके जाओगे है अगर अच्छी लगी शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ ओके okay? चलो बाय बाय टेक केयर <laughs> कॉकरोच भी ऐड करा दे नहीं कराया कराएगा कर टेस्ट में एक मिनट चेक करने दो मुझे लगता है कॉकरोच ओ हो भूल गई थी सॉरी गाइस मैं इसमें कॉकरोच भी ऐड करा दूंगी आई एम अपडेटिंग द सिलेबस कॉकरोच भी ऐड करा दिया तुमने बोला मैंने करा दिया कोई दिक्कत नहीं है कॉकरोच का टेस्ट भी इसमें आएगा ठीक है कॉकरोच भी ऐड करा दिया मैं भी बोल दूंगी टीम को हो जाएगा ऐड कोई दिक्कत नहीं है यस yes? चलो थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर बाय बाय साढ़े छह बजे मिलते हैं